Style pen. Pen. Start करें। यहाँ वाला चल रहा। डॉलर से करें तो चल रहा। इसमें तेल में मामा का चल रहा। चलता रहा। बच्चों तो जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स का आज हम लोग आखिरी लेक्चर ले रहे हैं। मतलब दो लेक्चर में हमने इसको बांटा था। तो कल मैंने बेसिक बातें बताई थी कि मेंडल में किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस में या फिर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज में क्रॉसेस प्लान किए और किस तरीके से उन्होंने अपने रिजल्ट निकाले। तो कल हम लोगों ने ज़्यादातर टॉपिक पढ़ लिए थे जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इस तरीके के हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिए। तो आज के क्लासेस में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं कि मेंडल का जो तीसरा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो टू जीन से कैसे रिलेट करता है। सो इट्स ओके, द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के क्रॉसेस को इन्होंने नाम दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में एट अ टाइम ये प्लांट में किन्हीं दो कैरेक्टर को एक साथ टैकल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि सीड शेप राउंड है और राउंड और रिंकल्ड यानी दो प्रकार की सीड शेप है और राउंड और रिंकल्ड में से एक राउंड को मेल या रिंकल्ड को फीमेल ले करके हम लोगों ने पेरेंट बना लिए, तो अगला काम हमें मालूम है कि मेंडल ने क्या क्या काम किए थे। इसका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट एंड द क्रॉस ब्रीडिंग। जब इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की होगी तो इन दोनों में कोई एक करेक्टर आया होगा, तो इनफैक्ट राउंड सीड वाला करेक्टर आया F1 जनरेशन में। और फिर जब इनकी सेल्फिंग की थी तो राउंड और रिंकल्ड बेटा किस रेशियो में आया आपको मालूम होना चाहिए, इट इज 3:1, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो F1 में आता है और F2 में भी वही आता है विद द 3:1 रेशियो, जिसमें 3 इज डोमिनेंट एंड 1 इज रिसेसिव। ये तरह लोगों ने पढ़ रखा है टॉल एंड डार्क को लेकर के। तो आपने एक करेक्टर किया सीड का सेप, आज दूसरा करेक्टर लेते हैं हम लोग सीड का कलर। तो जो करेक्टर हमने दूसरा लिया था सीड कलर लिया था, उन्होंने क्या किया कि येलो कलर के सीड वाले पौधों को उन्होंने ग्रीन कलर के सीड वाले पौधों के साथ क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में देखा तो ये येलो आया और बेटा F1 जनरेशन की सेल्फी की तो येलो और ग्रीन में रेशियो आया, येलो और ग्रीन का जो रेशियो आया वही आया 3:1। यानी अगर दोनों करेक्टर एक एक करके देखे जाएं, अगर सेप और कलर में दोनों करेक्टर एक एक करके देखे जाएं तो सेप वाइज भी 3:1 है और कलर वाइज भी 3:1 है। पर अगर मेंडल इन दोनों करेक्टर को एक साथ प्लान करके देखने की कोशिश करते थे तो रिजल्ट क्या आते थे। इनफैक्ट रिजल्ट इनके मल्टीप्लीकेशन में आते थे और वो मल्टीप्लीकेशन आपको कैसे देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राउंड और रिंकल्ड 3:1 है, येलो और ग्रीन 3:1 है, तो अगर मैं इनकी प्रोजनीज बनाऊँ, एक साथ प्रोजनीज बनाऊँ कि अगर कोई
राउंड और येलो पैलेट रिंकल्ड और ग्रीन के साथ मेट करे। अब की बार मैंने दोनों करेक्टर एक साथ ले लिए, येलो और ग्रीन अलग था, उसमें राउंड और येलो डोमिनेंट थे तो दोनों को एक साथ ले लिया और रिंकल्ड और ग्रीन एक साथ ले लिया। तो बेटा F1 जनरेशन में राउंड और येलो ये पैरेंट आते थे और जब कभी हम लोग इनकी सेल्फिंग करते थे राउंड और येलो की तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन? 3:1 × 3:1। कैसे? अगर मैं राउंड और येलो एक साथ चाहूं, राउंड और येलो अगर एक साथ चाहूं तो 3 × 3 इट इज 9। ओके, फिर अगर मैं चाहूं रिंकल्ड और येलो, रिंकल और येलो अगर मैं एक साथ चाहूं तो क्या होगा? 3:1 दैट इज 3। इसके बाद मैंने येलो के दोनों प्रोसेस कर दिए, अब मैं प्रोसेस कर रहा हूं ग्रीन के। ग्रीन और राउंड अगर मैं चाहूं, ग्रीन और राउंड, तो राउंड 3 था, 3 3 1 3, तो आपके सामने आया राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन आया बेटा 3। और अगर मैं ग्रीन और रिंकल्ड चाहूं, ग्रीन और रिंकल्ड, अब मैं ये हटा देता हूं, ग्रीन और रिंकल्ड चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे? ग्रीन और रिंकल्ड आपको मिलेगा 1। द रेशियो इज 9:3:3:1। तब मेंडल कहते थे कि एक्चुअली जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक साथ प्लांट करते हो तो एक साथ दो कैरेक्टर देते हो, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है, केवल मैंने मल्टीप्लीकेशन की वजह से ऐसे करके दिखाया है। अगर यही क्रॉस तुम अपने मन से प्लान करो तो क्या बना सकते हो? देखिए, अब आपके सामने कोशिश है कि आप अपने मन से इस क्रॉस को प्लान करो, और जब ये क्रॉस अपने मन से प्लान करोगे तो किस तरीके से आपके सामने आ सकता है। देखिए, मैंने एक प्लांट लिया राउंड येलो, सी राउंड येलो, यानी उसका कलर बेटा येलो है और वो सेम राउंड में है, और इसको मैंने पैरेंट माना, इसको डिजर्व मेल पैरेंट। और दूसरा मैंने लिया रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, और दूसरा पैरेंट मैंने लिया बेटा रिंकल्ड ग्रीन। अब याद रखना दोनों पैरेंट प्योर ब्रीड होगा, कि मेंडल का पहला काम था पैरेंट जब भी बनेंगे वो प्योर ब्रीड होंगे, ये राउंड में और येलो में दोनों ही कंडीशन में प्योर होगा, और ये रिंकल्ड और ग्रीन कंडीशन दोनों ही कंडीशन में प्योर होगा। अब मैं F1 में जाऊं, यानी इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करके F1 बनाऊं, और मेंडल हमेशा कहते थे कि दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आएगा। यस, उन्होंने भी देखा कि बेटा इनमें से राउंड और येलो वाला कैरेक्टर एक साथ आ गया। राउंड येलो वाला जब कैरेक्टर एक साथ आ गया तो उन्होंने कहा देखिए F1 में ये बात अभी भी लागू है कि दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है, और बेटा दोनों पेरेंट में से इस पेरेंट का कैरेक्टर आया और दोनों कैरेक्टर एक साथ आए, राउंड भी आया और येलो भी आया, राउंड शेप के लिए आया और बेटा येलो कलर के लिए आया, इसका मतलब राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है अपने अपने कैरेक्टर के लिए। अच्छा, जब उन्होंने सेल्फिंग की, सेल्फिंग करने के बाद F2 बनाया तो उनके सामने क्या क्या मिला? एक पैरेंट का करेक्टर एज इट इज आया राउंड येलो, याद रखना ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। दूसरे पैरेंट का करेक्टर भी आया रिंकल्ड ग्रीन, पहले दोनों पैरेंटल करेक्टर लिख लीजिए वरना आप बहुत मुश्किल में जाएंगे। देखिए, एक पैरेंट का राउंड येलो तो राउंड येलो मिला, और एक पैरेंट का रिंकल्ड ग्रीन तो रिंकल्ड ग्रीन भी मिला। फिर इसके बाद इन पेरेंट्स के कैरेक्टर में मिक्सिंग हो गई या फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ, जैसे राउंड के साथ हमेशा येलो आ रहा है तो कुछ पेरेंट राउंड के साथ ग्रीन आए, इसका मतलब कुछ पेरेंट आए राउंड ग्रीन, ध्यान से देखिए राउंड ग्रीन आए। और याद रखना हमेशा आपने देखा रिंकल्ड और के साथ हमेशा ग्रीन आ रहा है, अब आपने देखा रिंकल्ड के साथ येलो आ गया तो आपके सामने आया रिंकल्ड येलो। अगर आपने इस तरीके से देखा तो आपके सामने क्या क्या रिक्सिव आया, यानी ये पैरेंटल करेक्टर है, दिस इज द पैरेंटल करेक्टर, अगेन दिस इज द पैरेंटल करेक्टर, लेकिन ये दोनों करेक्टर जो निकले वो रिकॉम्बिनेंट करेक्टर निकले, और इनका रेशियो क्या निकला वो भी देखने लायक है। इट इज 9:3:3:1, जो कि एक्चुअली 3:1 का मल्टीप्लीकेशन है। तो उन्होंने बोला ये पैरेंटल कैरेक्टर हुआ, ये पैरेंटल कैरेक्टर हुआ, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हुए, और इन्होंने कहा यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर वाले लोग मिले, और ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर क्यों आया इसका कारण उन्होंने आगे बताया, और उसका कारण था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फिलहाल आपको ये मानना है कि पहला 9 जो होगा ये हमेशा पेरेंटल होगा एक पेरेंट जैसा, आखिरी वाला 1 होगा वो भी दूसरे पेरेंट जैसा होगा, इसके बाद
दोनों पैरेंट के कैरेक्टर्स आपस में रिकॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे ब्राउन के साथ येलो आ रहा तो ब्राउन के साथ ग्रीन आ जाएगा, जैसे रिंकल्ड के साथ ग्रीन आ रहा तो रिंकल्ड के साथ येलो आ जाएगा। इस तरीके के बेटा कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं दीज आर द रिकॉम्बिनेंट 9:3:3:1। ये एक रेशियो आया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। अब इन्होंने कहा क्या बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 क्या एक्चुअली 3:1 है? तो उन्होंने कहा अगर एक एक कैरेक्टर अब भी ध्यान से देखो, एक एक करेक्टर अगर अभी भी ध्यान से देखोगे तो 3:1 का ही मल्टीप्लिकेशन है। कैसे? पहले सारे राउंड काउंट कर लो, तो राउंड 9 ये हुए, 3 ये हुए, 9 और 3 12 हो गए, और राउंड के साथ जो करेक्टर जाता है एलियल जाता है वो जाता है रिंकल्ड, तो सारे रिंकल्ड काउंट कर लो, रिंकल्ड 3 ये हुए, 1 ये हुआ, 3 और 1 4। अब देखिए बेटा राउंड और रिंकल्ड का रेशियो क्या आया, 8:3:1। अगर राउंड और रिंकल्ड का 3:1 है तो चलिए येलो और ग्रीन का देखते हैं। सारे येलो काउंट करने की कोशिश करिए, यहाँ पर येलो है 9 है, यहाँ पर येलो नहीं है लेकिन यहाँ पर येलो है 9 और 3 ये क्या हो गया 12, और अब ग्रीन के लिए 3 और 1 ये हो गया 4। अगेन रेशियो आया 3:1। तो वो कहते थे मेंडेलियन क्रॉस रेशियो जो 9:3:3:1 है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो करके F2 जनरेशन में आ रहा, जिनमें 3:3 ये एक रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनने का कारण, रिकॉम्बिनेशन का बनने का कारण है बेटा। इसी क्रॉस को मेंडल ने अपने तरीके से प्लान किया। मेंडल ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हो राउंड येलो क्या है, देखिए भाई आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। राउंड येलो देखना चाहते हो तो आइए इन्हें क्रोमोसोम में देखने की कोशिश करें। एक क्रोमोसोम में अगर यहाँ पर बेटा सेब का जीन है तो यहाँ पर भी सेब का जीन होगा, और अगर ये पेरेंट है तो अगर ये कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा। मैंने पहले बोल रखा है पेरेंट हमेशा होमोजाइगस या फिर प्योर ब्रीड होते हैं। पर सर ये तो राउंड के लिए हो गया, व्हाट फॉर द येलो? तो मैंने कहा देखिए दूसरे क्रोमोसोम में आप यहां पर ले लीजिए कलर का जीन, और अगर ये कैपिटल वाई होगा तो ये भी कैपिटल वाई होगा। अब इसे पढ़ने की कोशिश करिए, आसानी से आपको दिखाई पड़ेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई क्यों है? क्योंकि ये आर के लिए भी होमोजाइगस है और वाई के लिए भी होमोजाइगस है, और मैंने बहुत पहले बताया था पेरेंट हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए प्योर ब्रीड होते हैं। ठीक, अगर आप इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन को आप देखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई पड़ेगा। आपके सामने एक क्रोमोसोम आया जिसमें स्मॉल आर है और इसमें स्मॉल आर है, तो अगर कैपिटल आर राउंड है तो स्मॉल आर रिंकल्ड होगा, और रिंकल्ड हमेशा होमोजाइगस कंडीशन से ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम को देखोगे स्मॉल वाई स्मॉल आई आएगा, अगर कैपिटल वाई येलो है तो स्मॉल वाई इट विल बी द ग्रीन, और इन दोनों क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन को स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई मानिए, और ये पेरेंट है और पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होगा। जो लोग ऐसे लिखते हैं वो कई बार मुश्किल में आ जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा मुश्किल में आ जाओगे, पर मैं अपने बच्चों से कहता हूँ जब कभी भी किसी का जीनोटाइप लिखो उसे क्रोमोसोम वाइज लिखो, ऐसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इससे क्या फायदे होंगे? इससे फायदे ये होंगे फिर मैं कहूंगा बेटा इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराओ, और तुमसे बोला जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होगी, तो मैं कहूंगा इनके गैमीट बनाओ, और तुम कहोगे सर गैमीट कैसे बनाओ, मैं कहूंगा मियोसिस करो। और मियोसिस करने की खास बात होती है कि क्रोमोसोम पेयर आपस में सेपरेट हो जाते हैं, तो ये वाला पेयर भी सेपरेट होगा ये वाला पेयर भी सेपरेट होगा। आइए करके देखिए, जैसे ही आपने बेटा इन दोनों क्रोमोसोम के पेयर को सेपरेट किया तो कैपिटल आर अगर इधर आया तो इधर भी कैपिटल आर ही गया, क्योंकि मैंने पहले बताया था होमोजाइगस पेयर में जो सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट पैदा करता है। यही कैपिटल वाई भी सेम तरीके का बेटा गैमेट पैदा करेगा, तो आपके सारे गैमेट एक जैसे होंगे और गैमेट होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। जो लोग ऐसे लिखते हैं वो कई बार मुश्किल में आते हैं, जो लोग ऐसे लिखते हैं हमेशा अच्छे रहते। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गैमेट है। अच्छा, अगर मैं यही गैमेट यहां से बनाऊं तो बच्चा आपको मालूम है यहां पर भी कंडीशन सेम ही आएगी, यानी अगर क्रोमोसोम अलग अलग आएंगे तो यहाँ स्मॉल आर यहाँ स्मॉल आर यहाँ स्मॉल वाई यहाँ स्मॉल वाई, और गैमेट आएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने कल पढ़ाया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था व्हेनेवर देयर इज अ होमोजाइगस पेयर, होमोजाइगस पेयर होने पर सारे गैमेट एक जैसे होते हैं। बताइए मेल के सारे गैमेट एक जैसे, मेल अपने कैरेक्टर में होमोजाइगस, ऑल द गैमेट आर कैपिटल आर कैपिटल वाई।
अब ये गैमेट कहलाएंगे स्पर्म, और इन गैमेट को हम लोग नाम देंगे ओवा, और स्पर्म और ओवा का रैंडम फ्यूजन हो रहा है। अरे कुछ भी फ्यूज करा लो, ऑल द गैमेट आर सेम, ऑल द गैमेट आर सेम, कोई भी गैमेट किसी से फ्यूज हो वही रिजल्ट आना है। क्या रिजल्ट आना है, देखिए इधर से एक गैमेट आया, इधर से एक गैमेट आया, दोनों फ्यूज होने के आ रहे हैं। इधर से कैपिटल आर आया, इधर से आएगा स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई आया, यहां से आया स्मॉल वाई। अब आप खुद सोचिए कि F1 जनरेशन का बंदा क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 आया तो हम सब जानते हैं ये अपने पहले करेक्टर के लिए भी हाइब्रिड है, दूसरे करेक्टर के लिए हाइब्रिड है, और हमें सबसे सब कुछ मालूम है कि F1 हमेशा हाइब्रिड होता है। अब ये F1 में आया, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड ही रहेगा लेकिन हाइब्रिड वाला राउंड रहेगा, हेटरोजाइगस राउंड रहेगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो ही रहेगा लेकिन हेटरोजाइगस येलो रहेगा। और हमने कहा कि दोनों में से किसी एक पेरेंट का करेक्टर आया और ये बंदा निकला राउंड एंड येलो, और जब तुम्हें ये राउंड और येलो दिखा तो तुमने इसकी सेल्फिंग कर लेनी है, और जब सेल्फिंग करोगे तो मामला बहुत बिगड़ने वाला है। तो मैं जगह खाली चाहता हूं, इसलिए केवल यहां तक के क्रॉसेस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके बाद के क्रॉसेस में फिर से यही बनाता हूं। देखिए आपके पास F1 क्या गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर इतना याद है तो मैं इसी क्रॉस को दोबारा बनाता हूं। अब मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, नाउ इट क्रॉसेस विद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और अगर ये दोनों पेरेंट हैं तो इनका F1 जनरेशन आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अब ये F1 की सर करने जा रहे हैं सेल्फिंग, और सेल्फिंग का मतलब होता है एक ही तरीके के दो पेरेंट आपस में ब्रीड करने जा रहे हैं। अब जब ऐसे लोग ब्रीड करने जाएंगे अब आप देखेंगे क्या होगा, अभी गजब हो रहा है। F1 की सेल्फिंग करने जा रहा हूं और मैं गैमेट आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा कैपिटल आर और ये रहा स्मॉल आर, और ये रहा कैपिटल वाई और ये रहा स्मॉल वाई, और एक इसमें से मेल और बिल्कुल ऐसा ही एक फीमेल। सेल्फिंग का मतलब यही होता है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैं कहूंगा बच्चा अगर ये मेल और ये फीमेल है अब तुम गैमेट बना दो तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि आप गैमेट बनते दिखेंगे लोगों को। कैसे दिखेंगे, अगर देखना चाहो तो दिखेंगे। मैंने कहा बेटा जब भी गैमेट बनेंगे मियोसिस होगी, और मियोसिस होने पर क्या होगा, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में अलग होंगे। अगर एक क्रोमोसोम में कैपिटल आर आया तो हर हालत में दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल आर आएगा। एक में अगर कैपिटल आर आया तो दूसरे में स्मॉल आर आएगा, लेकिन जिस समय ये वाला पेयर सेग्रीगेट हो रहा होगा दूसरा पेयर भी सेग्रीगेट हो रहा होगा। अगर दूसरा पेयर सेग्रीगेट हो रहा होगा तो चांस ये है कि जब कैपिटल आर आ रहा हो तो साथ में कैपिटल वाई आ जाए, और अगर कैपिटल वाई आ जाए तो इस हालत में हर हाल में यहां स्मॉल वाई जाएगा। बहुत बढ़िया, सब लोग यहां तक तो बड़े खुश रहते हैं कि सर कैपिटल आर इधर स्मॉल आर इधर, कैपिटल वाई इधर स्मॉल वाई इधर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों पेयर का सेग्रीगेशन और इन दोनों का पेयर का सेग्रीगेशन है, कि जैसे हो सकता है कि जब गैमेट अलग हो रहे हो और कैपिटल आर इधर आ रहा हो तो स्मॉल आर इधर जा रहा हो, उसी समय पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई इधर आ रहा हो, अगर स्मॉल वाई इधर आ रहा हो तो इधर हर हालत में जाएगा कैपिटल वाई, यानी इन दोनों का सेग्रीगेशन इसके सेग्रीगेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है, मीनवाइल स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। मेरी बात को ध्यान सुनना चाहिए, इस पेयर का एलील इस पेयर के एलील पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब डिपेंड नहीं करता है तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक पेयर ऑफ एलील इट इज सेग्रीगेटेड विद इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर ऑफ एलील, अगर ऐसा हुआ तो इसी को बोलेंगे बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आप लोग चाहे कितनी भी गणित लगाकर उल्टी सीधी बातें करके कुछ भी बोलो, पर मेरे बच्चे अगर तुमने मेरे से अच्छे से पढ़ा है तो तुम यही बोलोगे वन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील, यानी एक एलील दूसरे पेयर के किसी भी एलील के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है,
और इसी स्वतंत्रता का नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अगर ऐसा हो गया तो आइए पेरेंट की तरफ चलिए। पेरेंट अगर आपको याद हो तो पेरेंट का गैमिट हुआ करता था कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे पेरेंट का गैमिट हुआ करता था स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो भाइयों कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमिट होना ये पेरेंटल गैमिट होने जैसा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई होना भी गैमिट होना पेरेंटल गैमिट जैसा होना है। लेकिन भाइयों बहनों कैपिटल आर स्मॉल वाई होना ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट की पहचान है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ होना इट इज आल्सो अ डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट। इसका मतलब गैमेट में भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है और इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आता था पेरेंट में, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आता था पेरेंट में, लेकिन बेटा जब एफ वन में गए तो कोई भी किसी भी तरीके का गैमेट बना सकता है और हर गैमेट बनने के चांसेस इक्वल। इसका मतलब मेल के चार गैमेट बने और चार गैमेट में 1/4 इसके चांसेस हैं, 1/4 इसके चांसेस हैं, 1/4 इसके चांसेस हैं, 1/4 इसके चांसेस हैं, यानी हर गैमेट के बनने के चांसेस इक्वल है। और अगर मेल के ये चार गैमेट है तो मैं अगर तुमसे पूछूं फीमेल के गैमेट क्या होंगे, अगर आप बेवकूफ है तो नहीं बता पाएंगे, अदरवाइज बता देंगे कि फीमेल के भी वही चार गैमेट होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताइए ये कैसा है पेरेंटल, ये कैसा है पेरेंटल, ये दोनों कैसे है रिकॉम्बिनेंट। और हर बंदे की परसेंटेज अकरेंस सबका 25% अकरेंस है, हर बंदा 25% इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अकर कर सकता है। और अगर ये मेल है तो ये चारों स्पर्म कहलाएंगे या एंथेरोजॉइड कहलाएंगे, और अगर ये फीमेल है तो ये चारों ओवा कहलाएंगे। पर मेरा उद्देश्य यह है कि तुम केवल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहना चाहे सीख जाओ। कोई पूछे व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो बोलो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील is it independent to another pair of allele, and this independence is known as independent assortment। और अगर independent assortment हुआ तो जितने parental gamete बनेंगे उतने recombinant बनेंगे। देखो parental कितने 25 total 50 और recombinant 25 कितने 50, तो 50% parental और 50% recombinant gamete बन जाएंगे। और जब ये recombinant gamete बन जाएंगे तो ये क्या धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं, उसका बुक ने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है। देखिए ये वो गैमेट पुनः डिस्प्ले के साथ दिए गए हैं। देखिए ये रहा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये रहा स्मॉल आर स्मॉल वाई, इट इज पेरेंटल गैमेट, इट इज पेरेंटल गैमेट, मीनवाइल इट इज अ पेरेंटल गैमेट, इट इज अ पेरेंटल गैमेट, दीस बोथ आर रिकॉम्बिनेंट, दीस बोथ आर रिकॉम्बिनेंट। अब इनके चार गैमेट मेल के और चार गैमेट फीमेल, इधर फीमेल और इधर मेल, चार चार गैमेट आपस में 16 प्रोजनी बना सकते हैं। और याद रखो मैंने पहले भी आपको 2^n का फॉर्मूला बताया था, इट वाज अ टाइप ऑफ गैमेट। अगर मैंने आपको ये बताया था और आपको याद तो कि यहाँ पर n इज हाइब्रिड कंडीशन, तो अब आप देखेंगे हाइब्रिड कंडीशन क्या है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में एक हाइब्रिड ये दूसरा हाइब्रिड ये, तो 2^2 दैट विल बी द 4, चार गैमेट बनेंगे और चारों गैमेट के क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब आप इनके फ्यूजन करेंगे, देखिए ये दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अच्छा अब ये दोनों फ्यूज करें तो क्या बना, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अगर आप ये दोनों को फ्यूज कराएं तो क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये और ये फ्यूज कराओ तो क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इस तरीके से 16 प्रोजेनीज बनाए और 16 प्रोजेनीज का रेशियो आया 9:3:3:1। और इनमें से ये दोनों प्रोजेनीज रिंकल्ड और ये दोनों प्रोजेनीज जो है रिकॉम्बिनेंस की वजह से रिकॉम्बिनेंट के नाम से जाने जाएंगे, और ये दोनों बेटा प्रोजेनीज 9 और प्लस 1 ये दोनों प्रोजेनीज बेटा पेरेंटल प्रोजेनीज माने जाएंगे, जो पेरेंट की तरह फिनोटाइप शो कर रहे हैं। पेरेंट की तरह फिनोटाइप शो करना 9 और 1 का काम है, और रिकॉम्बिनेंट की तरह फिनोटाइप शो करना 3 और 3 का काम है। और ये रहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करके उन्होंने गैमेट के नंबर बताए कि 50% गैमेट कैसे होंगे 50% कैसे होंगे, मैंने आपके सामने लिख दी। लेकिन बेटा इस प्रोजेनीज को बनाने के लिए लोगों ने इतने सारे दिमाग खपाए हैं,
इतना टेंशन में आए हैं कि बच्चे घबरा रहे हैं। बोलते हैं सर जब ये चार्ट हमें याद करना पड़ता है हमारा दिमाग खराब हो जाता है, सर बहुत दिमाग खराब हो जाता है, इतना बड़ा चार्ट है 16 लोगों को कैसे याद रखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर इधर ले लो सर यहाँ पर भी वही है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सर फिर इनकी प्रोजनी स्मॉल वाई स्मॉल वाई का पता लगा के लगाओ, ये यहाँ से है यहाँ से है स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो सर कैसे इन प्रोजनीज को काउंट करें, क्या केवल यही तरीका है कि हम एक चेकर बोर्ड बनाएं और पूरे डिस्पर का चेकर बोर्ड बनाएं, कर रही है तब मैं कहता हूँ इसका सबसे सीधा अच्छा तरीका मैं दिखाता हूँ। बोले अच्छा तरीका क्या है, तरीका यह है बेटा कि आपने कभी जीनोटिपिक रेशियो पढ़ा था, और अगर आपने जीनोटिपिक रेशियो पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो आपको याद होगा मैंने कुछ यूं पढ़ाया था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मैं यही क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने यही पढ़ाया था, और तब तुमने बताया था कि सर ये वन होगा ये टू होगा ये वन होगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया अगर आपको इतना याद है तो मेरा काम बन जाने वाला है। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 टोटल चार लोग हैं तो मैं इसे बोल सकता हूँ 1/4, इसे बोल सकता हूँ 2/4 और इसे बोल सकता हूँ 1/4, कुछ लोग इसी में अटक जाते हैं सर 1/4 2/4 तो बोल सकते हो, भैया टोटल मेंबर है चार तो इसका नंबर है चार में से एक, चार में से दो ऐसे एक, चार में से एक ऐसा। अच्छा अगर मैं कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लूं तो क्या वो ऐसे ही बिहेव करेगा, बिल्कुल बिहेव करेगा। अब आइए मैं आपके सामने रखता हूँ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर, अब बताइए सर ये कितना होगा, सर ये 1/4 होगा, सर ये 2/4 होगा और सर ये 1/4 होगा, अगर इसमें डाउट है तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, ये 1:2:1 ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं बेटा कैपिटल वाई कितना होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना होगा, स्मॉल वाई कितना होगा, तो आपका दिमाग खराब हो सकता है, सर ये क्या बात है, ये भी तो 1:2:1 होगा, तो मैंने कहा तुम्हें आता तो सब कुछ है, अब मैथ को देखो, मैथ जब देखोगे तो कितना आसान होगा। अब मैं बोलूंगा बेटा प्रोजनीज लिखनी है, इस चेकर बोर्ड वाली प्रोजनीज बिना रटे केवल तरीके से लिखनी है, हमने कहा बताओ कैसे लिखेंगे, बोले आसान है लिखना, अगर मुझे देखना है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने लोग होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 1 4 × 16 1/16 पूरे 16 खानों में से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 खानों में केवल एक ही जगह ऐसा होगा जहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई हो, और हमने कैसे निकाला मल्टीप्लाई करके। तो किसी ने कहा सर आप हमें यह बताइए कि अगर ये मेंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कर लो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने होंगे, मैंने कहा 1 × 2 2/16 होंगे बेटा 2/16 होंगे, यानी अगर तुम्हें पता चला कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कहां मिलेंगे तो आपके सामने मिलेगा कैपिटल आर यहां पर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये एक जगह पर मिलेगा, और ऐसा ही दूसरी कंडीशन मिलेगा। आप ढूंढते रहिए चेकर बोर्ड में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो गणित करता रहूंगा, तो ये वाला बंदा ऐसे मिलेगा। अब मैं बोलूं बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो कैपिटल आर स्मॉल वाई सर 1/16 मिलेगा, यानी 1 × 1 4 × 16। अब दूसरे को उठाओ, दूसरे को उठाते ही तुम्हारे सामने क्या आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इट विल बी 2/16 2/16 होगा सर। अच्छा मैं बोलूं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा, बोले सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 × 2 = 4/16 बड़ा आसान हो गया। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो तो आया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई सर ये कितना होगा सर इट इज अगेन 2/16 पर अभी पूरा नहीं हुआ, इसका क्रॉस पूरा हुआ इसका क्रॉस पूरा हुआ, अब भाई तीसरा क्रॉस बाकी है सर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना मिलेगा इट इज 1/16 1 × 1 4 × 4 आगे चलिए सर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना मिलेगा 1 × 2 2/16 और अगर मैं पूछूं बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कितना मिलेगा इट इज 1/16 बच्चे इसमें भी पक जाते हैं कि सर ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि इसका भी एक सरल तरीका है, अगर आपकी बुद्धि है तो आप देखते जाओ जब जब होमोजाइगस पेयर मिले, देखिए ये दोनों होमोजाइगस ये दोनों होमोजाइगस
तो वहां वन सोच लो, वहां वन सोच लो, वन इंटू वन बाई सिक्सटीन। अभी देखो यहां होमोजाइगस वन और जहां हेट्रोजाइगस मिले वहां पर टू सोच लो, वन इंटू टू इट इज 16। अगर यहां पर तुम्हें दिखाई पड़े तो ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस है, तो वन बाई सिक्सटीन। यहां देखो ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, टू बाई सिक्सटीन। यहां ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, टू इंटू टू फोर, फोर बाई सिक्सटीन। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस टू बाई सिक्सटीन, होमोजाइगस होमोजाइगस वन बाई सिक्सटीन, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टू बाई सिक्सटीन, होमोजाइगस होमोजाइगस वन बाई सिक्सटीन। अभी देखना मैजिक चीजें, देखिए आप लोग अपने कल काउंट तो रट्टा तुम्हारा नहीं है, अब आप देखिए अपने आप बताते जाएंगे मैंने जीनोटाइप लिखी हुई है और आपको कैसे आता जाएगा, बताइए ये क्या है, वन इंटू वन वन बाई सिक्सटीन, ये बताइए वन इंटू टू टू बाई सिक्सटीन, यहाँ पर ये बताइए वन इंटू वन वन बाई सिक्सटीन, ये बताइए टू बाई सिक्सटीन, ये बताइए फोर बाई सिक्सटीन, ये बताइए टू बाई सिक्सटीन, ये बताइए वन बाई सिक्सटीन, ये बताइए टू बाई सिक्सटीन, ये बताइए वन बाई सिक्सटीन। आपको चिकर बोर्ड करने की जरूरत ही नहीं, जहां हेट्रोजाइगस हो वहां पर दो और जहां होमोजाइगस हो वहां पर वन, और ये है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का जादू। और अगर इससे भी मन ना भरे तो आप ये देखो मेरे बच्चे, पहले लिखो नाइन इस टू थ्री इस टू थ्री इस टू वन, और इसके सामने लिखो राउंड येलो, राउंड येलो, इसके आगे लिखो राउंड ग्रीन, आपको मालूम है राउंड ग्रीन, और इसके आगे लिखो रिंकल्ड येलो। अभी देखना आपके सामने क्या सीन मिलने वाला है, आप खुद चौंक जाएंगे, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे लिखो रिंकल्ड ग्रीन। अब बोलते हैं सर ये बताइए राउंड और येलो होने के कितने चांसेस हैं? अगर आप बुद्धिमान हो तो हर हाल में एक बार कैपिटल आर होना ही चाहिए डैश, यहां कुछ भी ले लो, और एक कैपिटल वाई होना चाहिए डैश, ये पॉसिबिलिटी है। अगर कोई बोले राउंड ग्रीन होने के लिए क्या हो, तो ग्रीन तो सर हमेशा स्मॉल वाई से ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं राउंड होने के आर डैश हो सकता है, यहां कुछ भी ले। अगर मैं बोलू रिंकल्ड ग्रीन, सर रिंकल्ड होने के लिए तो केवल स्मॉल आर ही चाहिए, क्योंकि रिंकल्ड इज रिसेसिव, तो सर येलो होने के चांसेस है वाई डैश, उसके अलावा कुछ भी ले लो। और बोलो रिंकल्ड ग्रीन होने के चांसेस क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है रिंकल्ड भी और ग्रीन भी। अब मैं कहता हूं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स करो, बच्चे घबरा जाते हैं सर अब क्या फिल इन द ब्लैंक है, मैंने कहा ये तो तुम्हें मालूम है कैपिटल आर यहां भरो, तो हमने कहा सर स्मॉल आर कर लो, पहले कैपिटल आर कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पॉसिबल ही है, दूसरा पॉसिबल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहां पर दोनों जगह कैपिटल वाई, तीसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, चौथी पॉसिबिलिटी ये है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी देख लीजिए। अब अच्छा इसकी पॉसिबिलिटीज लिखिए, जब आप इसकी पॉसिबिलिटीज लिखने आए तो सर आपने कहा कैपिटल आर में यहाँ पर कैपिटल आर ले सकते हैं स्मॉल वाई यहाँ ले सकते हैं, सर यहाँ पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर ले सकते हैं स्मॉल वाई, हमने कहा इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर मैंने कहा इसके लिखिए, तो किसी ने कहा सर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ कैपिटल ले सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर लिखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले सकते हैं, और सर यहाँ तो पॉसिबिलिटी स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब मेरे बच्चे होशियार बच्चे, अब देखो अपने आप इस पूछने को रखता दिमाग लगा दो, बताइए वन इंटू वन कितना आया, वन बाई सिक्सटीन इट इज टू इज टू वन, 2 by 16, it is 2 by 16, it is 4 by 16, गिनिए 4, 2, 6, 2, 8, 9, ये रहे 9 आपके साथ। इधर देखिए, ये कितना होगा, होमोजाइगस, होमोजाइगस, it is 1, हेट्रोजाइगस into होमोजाइगस, 2 into 1, it is 2, 2 is 2, or it is 3, अब बताइए ये कितना होगा, होमोजाइगस, होमोजाइगस, it is 1, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, it is 2, 2 और it is 3, और ये रहा 1, देखिए आपके सामने 9 is to 3 is to 3 is to 1 लिखा हुआ है। अगर आपका दिमाग सही है तो आपको कोई भी चेकर बोर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कॉन्सेप्ट है, मैथ वो जादू है कि आपके सामने सब कुछ सामने रखा हुआ है और आप इसे देखते जाएंगे और अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। ठीक है बेटा, आपने देखा गया कि भाई कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक पेयर ऑफ जीन दूसरे पेयर से एकदम अलग जा रहा है और चार प्रकार के गैमेट बन रहे हैं,
और इस तरीके से बेटा चारों प्रकार के गैमेट को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया। इतना पढ़ लेने के बाद आपके सामने पेज नंबर 79 के बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आने के बाद हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी आती है एंड दैट थ्योरी इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आइए ये मैंने आपको दोनों प्रोसेस पढ़ा दिए, तीनों लॉ पढ़ा दिए, पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा बेटा प्रूव किया जा सकता था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस की जरूरत थी और वो हम लोगों ने कर दी ना। हियर इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आइए कुछ बातें जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मेंडल ने अपना काम 1856 से लेकर के 1863 तक किया, 7 साल लगा दिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त और वो मटर पे एक्सपेरिमेंट करते रहे, ठीक है। 1863 से 1865 में 2 सालों तक वो अपनी थीसिस लिखते रहे, किताब लिखते रहे, 1865 में उस किताब को पब्लिश करा दिया। पब्लिश करा देने के बावजूद भी इनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं, नो रिकॉग्निशन, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई जान ही नहीं पाया कि मेंडल ने क्या काम किया और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बोले इसके क्या कारण है बेटा, क्या कारण है कि मेंडल का काम किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बोले मेंडल का काम 1865 से लेकर के 1900 तक पढ़ा रहा और 1900 सन में मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी। यानी जो काम मेंडल 1865 में करके गए थे वो 1900 तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और नहीं ध्यान दिया तो कारण क्या था, उसकी वजह आपकी बुक में लिखती है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं और अंडरलाइन आप करता जाएंगे तो आपको सही रहा। पहली बात वो लिखते हैं कम्युनिकेशन वॉट नॉट इजी एज इट नाउ। भाई उस समय पर कोई फेसबुक, कोई पेपर बहुत अच्छे थे नहीं, कोई मीडिया था नहीं, तो आप अपनी बात को किताबों के थ्रू लाइब्रेरी में रख सकते थे और किसी को नहीं मालूम था किसने कौन सी किताब लिखी और कितने लोग किताब पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरी में, तो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, पहली बात। दूसरा, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज अ फैक्टर इन मेंडेलियन वर्ल्ड इज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट ऑफ द पेयर ऑफ एलील व्हिच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कंटेम्पोरेरीज। क्यों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो थॉट चल रहा होता है लोग उसी को मानते हैं, नया थॉट एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मेंडल के पहले से ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस चल रहा था और मेंडल ने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को अपोज कर दिया, तो बताओ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानने वाले लोगों को धक्का लगा और उन्होंने कहा पता नहीं कौन मेंडल आया है और जिन्होंने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को गलत साबित करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने माना ही नहीं, गलत साबित लिख दिया। दूसरा, पहला तो कम्युनिकेशन इजी नहीं था, दूसरा मेंडल ने अपने कंटेम्पररी लोगों को बेटा गलत साबित करने की कोशिश की, तीसरा मेंडल एक मैथमेटिशियन थे और वो बायोलॉजी की बात कर रहे थे, मेंडल एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और वो बायोलॉजी की बात कर रहे थे, तो और लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आप गणित वाले लोग हमें बायोलॉजी सिखाएंगे। और चौथा, मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, और जब मेंडल से पूछा गया कि फैक्टर क्या होता है तो उनके पास कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था, मेंडल बता ही नहीं पाए कि फैक्टर क्या होता। तो चार बड़ी बातें जिसकी वजह से मेंडल के काम को 1865 से लेकर 1900 तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कम्युनिकेशन इजी नहीं था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को अपोज किया, तीसरा ये मैथमेटिशियन थे, बायोलॉजी की बात कर रहे थे, और चौथा ये इनसे पूछा जाता व्हाट इज फैक्टर, तो ये फैक्टर के बारे में कुछ बता ही नहीं पाते थे। अच्छा, इसके बाद 1900 आने पर 3 साइंटिस्ट थे और इन तीनों साइंटिस्ट ने बेटा इनके काम की रीडिस्कवरी की। इनका नाम लिख लीजिएगा, डीवरीज, पूरा नाम है ह्यूगो डीवरीज, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन सरमैक, इन तीनों ने मिलकर के मेंडल के काम की बेटा डिस्कवरी की। और 1900 में जो ये काम डिस्कवर किया इसको प्रूव करते करते भी बेटा 2 साल और लगे, 1902 तक आते आते इनके काम को रिकॉग्निशन मिलने लगा। अब आपको लगेगा जो बात 1865 में नहीं मानी गई, नहीं मान रहे थे, वो 1900 में कैसे मान ली गई, क्यों, क्योंकि 1902 तक आते आते क्रोमोसोम और उनके मूवमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन देखे जा चुके थे, क्रोमोसोम और उनके मूवमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये देखे जा चुके थे, और लोगों को लगता था कि जैसा मेंडल का फैक्टर है वैसे क्रोमोसोम है। बोले कैसे, बोले देखिए आप मेंडल के बारे में याद करें तो मेंडल कहते थे फैक्टर्स आर इन पेयर्स, फैक्टर्स पेयर में होते हैं, ये मेंडल का कहना था, मैं यहां मेंडल लिख दे रहा हूं।
और क्रोमोसोम भी पेयर में ही होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में ही होते हैं। फिर दूसरी बात लिखी थी कि फैक्टर का होता है सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भूले नहीं हो तो, सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इनका सेग्रीगेशन होता है और क्रोमोसोम भी सेपरेट करते हैं, सेपरेशन होता है और क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है ड्यूरिंग मियोसिस। तो देख क्या रहे हैं कि जैसे फैक्टर पेयर में वैसे क्रोमोसोम पेयर में, जैसे सेग्रीगेशन के दौरान गैमीट के फैक्टर अलग अलग हो रहे, फैक्टर दोनों अलग अलग हो रहे, क्रोमोसोम भी अलग अलग हो रहा। और फिर बोला गया कि फैक्टर का रीयूनियन हो जाता है प्रोजनी में एट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और बेटा यहां पर भी देखा गया कि क्रोमोसोम का भी बेटा रीयूनियन हो जाता है एट द टाइम ऑफ जाइगोट। तो किसी ने कहा हो ना हो मेंडल का फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, और ये बात बताई दो लोगों ने, इन दोनों का नाम था सटन एंड बॉवेरी। सटन एंड बॉवेरी ने कहा कि भैया मुझे तो लगता है कि जो फैक्टर है वो एक्चुअली क्रोमोसोम में पाया जाता है, और सटन एंड बॉवेरी की थ्योरी को बोला गया क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की, हालांकि वो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की कि जैसे जैसे फैक्टर बिहेव कर रहा ठीक वैसे वैसे बिहेव करता है क्रोमोसोम, तो हो ना हो कि बेटा जो क्रोमोसोम है उसी पर फैक्टर पाया जाता हो, या फिर क्रोमोसोम और फैक्टर का कोई रिलेशन। बोले अपनी बात कहने के कारण बताओ, तो उन्होंने कारण बताया। अच्छा, इस थ्योरी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया ह्यूगो डिवरीज ने, कार्ल कॉलिंस ने, वॉन्सन मार्क ने, लेकिन उन दोनों की इन दोनों थ्योरीज को आपस में रिलेट करने के लिए क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में रिलेशन बताया सटन एंड बॉवेरी ने, एंड दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बेटा प्रूव किया, एक्चुअली प्रूव किया, किसने प्रूव किया, प्रूव किया था बेटा सटन एंड बॉवेरी, किस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये रहे सटन एंड बॉवेरी, और इसको प्रूव किया था एक साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। याद रखना, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रूव किया कि वाकई सटन बॉवेरी जो कह रहे हैं वो सही है। कैसे प्रूव किया उन्होंने बेटा, ये प्रूव किया कि देयर आर सर्टेन करेक्टर, कुछ ऐसे करेक्टर हैं ड्रोसोफिला नाम की फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला वाली फ्रूट, ये ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, जो उसके सेक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेट रखते हैं, यानी जहां जहां सेक्स क्रोमोसोम जाता है वो करेक्टर वहीं जाते हैं। ये आपको पहले बोला गया था कि करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, मेंडल बोल के गए थे करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, इसका मतलब है थॉमस हंट मॉर्गन ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ हमेशा जुड़े रहते, जहां जहां सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां वो करेक्टर जाएंगे। और ये बात उन्होंने बताई कि बेटा ड्रोसोफिला का आई कलर, याद रहे आई कलर और बॉडी कलर उनके एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, यानी बॉडी कैसी कलर की होगी और उनकी आंख किस कलर की होगी वो उनके सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम में ये दोनों करेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन होता है। इसका ये मतलब है कि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन रहता है, और अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन रहता है मेरे बच्चों, तो याद रखना जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां जीन जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, तो जब क्रोमोसोम पेयर आते हैं तो फैक्टर पेयर हो जाते हैं, जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो फैक्टर अलग हो जाते हैं, फिर से जब वो वापस जुड़ते हैं तो फिर से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बॉवेरी को उसको प्रूफ किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। आगे बढ़ जाइए, इसके बाद आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसको समझाने में टीचर्स कई बार परेशान हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे समझाएं इसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे आपको एक बार में समझ में आ जाए कि लिंकेज का रिकॉम्बिनेशन क्या है। फिलहाल आप एक बार रिवीजन मांगिए कि व्हाट वाज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और मैंने कहा था सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील,
इट इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ एटम्स। अगर आप इतना समझ गए हो तो मैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझा दूंगा। कैसे समझा दूंगा, पहले एक जनरल बात समझने की कोशिश करनी। आपने कहा कि सर कैरेक्टर्स, सिंपल बात है, अगर ये समझ लिया तो काम बन जाएगा। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय जीन, बोले हाँ सर जीन से कंट्रोल होता है। और अभी अभी आप बोले कि जीन इज प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ये भी सही है, जीन प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम, जीन प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। वन मोर टाइम, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय जीन एंड जीन प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। ठीक है सर, इसका मतलब आपके पास तो टोटल सर 23 पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम। और अगर हर पेयर में एक ही जीन हो, यानी हर क्रोमोसोम में एक जीन हो, तो आपके पास 23 पेयर करेक्टर आ सकते हैं, यानी 23 पेयर करेक्टर ही आ सकते हैं। यानी ह्यूमन के पास टोटल 46 करेक्टर का, यानी 46 ट्रेट होने चाहिए, इससे ज्यादा करेक्टर होने नहीं चाहिए। तो बोलो नहीं, ह्यूमन में तो हजारों थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर है, मेरी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर है। तो बोले फिर तो फंस जाएंगे सर। बोले कैसे फंस जाएंगे, अगर थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर हैं तो हर हालत में सर थाउजेंड्स ऑफ जीन रखनी पड़ेगी, और थाउजेंड्स ऑफ जीन रखनी पड़ेगी, याद रखना थाउजेंड्स ऑफ जीन रखनी पड़ेगी। तो बेटा जीन रहती है क्रोमोसोम में, तो थाउजेंड ऑफ क्रोमोसोम रखने पड़ेंगे। हमने उन्होंने कहा नहीं सर, क्रोमोसोम तो सब 46 ही है, मतलब 23 पेयर ही है। तब फिर मैंने कहा ये तभी पॉसिबल है जब एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हो। अगर एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हुई तभी ये पॉसिबल है कि 46 क्रोमोसोम हजारों जीन को रख सके। हमने कहा बिल्कुल सही है। और बोले अगर ऐसा हुआ तो ये सारी जीन जहां पर भी जाएंगी वो एक साथ जाएंगी। बोले हाँ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट सारी जीन आपस में लिंक है, और लिंक होना इज नोन एज लिंकेज। कुछ लोगों को बोले गए इतना है लिंकेज, दिमाग खराब कर दो, ऐसे कोई लिंकेज पढ़ाता है। मैंने कहा ये बेसिक है, अगर इतना सीख गए तो मैं सिखा दूंगा, इतना सीख लो। अगर एक से ज्यादा जीन एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो तो वो जीन आपस में लिंक कहलाएंगी, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम में लिंक है। वही बात है, एक बस में 72 सीटें हैं, अब जहां बस जाएगी वो 72 सीटें वहीं तो जाएगी। ठीक वैसे ही यहां पर 72 लोग बैठे हुए, जहां क्रोमोसोम जाएगा वहीं तो जाएगी वो सारे के सारे जीन। तो एक क्रोमोसोम में पाई जाने वाली जितनी भी जीन होती हैं, इन सारी जीन को हम लोग लिंक जीन बोलते हैं, और लिंक जीन का होना इट इज लिंकेज। अब कहते हैं सर इसको उस तरीके से पढ़ाओ जैसे टीचर पढ़ाते, मैं आपके सामने पढ़ा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, वाई के अलावा मैं कोई भी दो आर्बिट्रेरी जीव ले लेता हूं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो मेरे बच्चे अगर तुम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेरे साथ पढ़े हो तो तुम ऐसे बताओगे सर कि सर देखिए अगर ये कैपिटल ए और ये कैपिटल ए है तो दूसरी जीव ये रही कैपिटल बी कैपिटल बी। मैंने कहा बहुत सही, तुमने सही कहा। फिर मैं कहूंगा बेटा अच्छा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी कैसे लिखोगे, तुमने कहा सर ये रहा स्मॉल ए और दूसरे सामने भी स्मॉल ए रहा, और ये रहा स्मॉल बी और ये दूसरे सामने भी स्मॉल बी रहा, ये दूसरा कैरेक्टर। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक बात देखो, तुमने इस जीन पेयर को अलग क्रोमोसोम में रखा और इस जीन पेयर को अलग क्रोमोसोम में रखा। बोले ठीक है सर। अब बोले एक गैमेट बनाओ, तुमने कहा सर बड़ा आसान है, यहां से आएगा कैपिटल ए और यहां से आएगा कैपिटल बी, एक गैमेट रहेगा, और यहां से आएगा सर स्मॉल ए और यहां से आएगा स्मॉल बी, ये दूसरा गैमेट होगा, और ये फ्यूज करेंगे तो बनेगा कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। और सर आपने इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाया था और आपने बताया था सर कोई भी एलील किसी भी के साथ जा सकता है। हमने कहा ठीक है, अभी तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एफ1 तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एफ1 वाले को दोबारा देखो, चलिए एफ1 वाले को दोबारा देखते हैं। एफ1 वाला जब दोबारा देखा तो ये रहा कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए और ये रहा कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। अब मैंने कहा गैमेट बनाओ, तुमने कहा बहुत आसान है सर, कैपिटल ए एक सेल में चला गया तो दूसरी सेल में जाएगा स्मॉल ए। मैंने कहा ठीक,
अगर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ गया तो इधर जाएगा स्मॉल बी। तो मैंने कहा क्या कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ हमेशा जाएगा? आपने कहा नहीं, हो सकता है कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए। मैंने बस काम बना दिया, कैपिटल ए के साथ हो सकता है स्मॉल बी आ जाए। अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया तब क्या होगा? सर स्मॉल ए के साथ हर हालत में कैपिटल बी आएगा। तब मैंने कहा क्या कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जाने में फ्री है? यस। क्या कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाने के लिए फ्री है? उन्होंने यस बोला। यही फ्रीडम क्या कहलाती है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप बताओ, अभी अभी आपने कहा कि हो सकता है कि एक ही क्रोमोसोम में दो जीन हो। हमने कहा मान लो बेटा कि जो तुमने दो जीन देखे थे वो अलग अलग क्रोमोसोम की बजाय एक ही क्रोमोसोम है। अब बवाल बचेगा कैसे? मान लो ये रहा कैपिटल ए और ये रहा कैपिटल बी और ये रहा स्मॉल ए और ये रहा स्मॉल बी। अब देखो बेटा, अब इनकी मियोसिस कराओ। और जैसे ही तुमने मियोसिस करा के इनके गैमेट बनाने की कोशिश की, मेरे बच्चे जहां पर भी ये क्रोमोसोम जाएगा ये वाला, वो अपने साथ कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी लेके जाएगा, और जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। अब बताइए कैपिटल ए के स्मॉल बी के साथ आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब अब कैपिटल ए कैपिटल बी पर डिपेंडेंट है और स्मॉल ए स्मॉल बी पे डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट होना इट इज उल्टा ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। कैपिटल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ छूटेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ छूटेगा। अभी यहां देख लो, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी पॉसिबल था, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी पॉसिबल था, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी पॉसिबल था, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी पॉसिबल था। लेकिन अब आप देख रहे हो जहां जहां कैपिटल ए जा रहा है वही वही कैपिटल बी जाने की पॉसिबिलिटी है, और जहां जहां स्मॉल ए जा रहा है वही वही स्मॉल बी जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक है, ये दोनों आपस में लिंक है, और इसी को बोलते हैं लिंकेज। पर आप भूल गए शायद, मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये पैरेंटल गैमीट है और ये भी पैरेंटल गैमीट है, और ये था रिकॉम्बिनेंट गैमीट और ये था रिकॉम्बिनेंट गैमीट। और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था 25% ये बनते थे, 25% ये बनते थे, पैरेंटल टोटल 50% बनता था, रिकॉम्बिनेंट ये बनते थे, रिकॉम्बिनेंट ये बनते थे, दोनों रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, और ये भी 25% बनता था, ये भी 25%, तो ये भी 50%। यानी अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाए, फिर से बोल रहा हूं, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाए तो 50% पेरेंटल गैमेट और 50% रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनने चाहिए। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ मेरे बच्चे तब ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर कहीं लिंकेज आ गया, और लिंकेज भी अगर प्योर लिंकेज आ गया, एकदम लिंकेज आ गया, तो दो प्रकार के ही गैमेट बनेंगे। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी हमेशा आएगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा, और ये पैरेंटल है और ये भी पैरेंटल है। याद करो, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आना इट इज अ पैरेंटल, और स्मॉल ए स्मॉल बी आना पैरेंटल है। इसका मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं प्योर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट पढ़ने ही नहीं चाहिए। इसका मतलब आपके रेशियो में जहां पर 9:3:3:1 था, याद करो वहां पर ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, ये रिकॉम्बिनेंट थे, तो अगर लिंकेज हुआ तो रेशियो 9:3:3:1 रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कौन कम होने लगेगी? ये वाले कम होने लगेगी। तो अगर आपका रेशियो 9:3:3:1 से डेविएट हो रहा है तो आप श्योर हो जाओ कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, ये क्या है? मैं कहता हूं ना, लिंकेज पढ़ाना मुश्किल क्यों आता है? क्योंकि यहां तक तो सारे बच्चे समझ जाते हैं। फिर मैं जब कहता हूं कि बच्चा लिंकेज में भी रिकॉम्बिनेंट गैमेट पॉसिबल है, तो लोगों का दिमाग फट जाता है। कैसे पॉसिबल है? ये क्रोमोसोम जहां जा रहा है, ये क्रोमोसोम जहां जा रहा है वहां कैपिटल ए और कैपिटल बी को साथ लेके जा रहा है, और ये क्रोमोसोम जहां जा रहा है वो स्मॉल ए स्मॉल बी को साथ लेके जा रहा है। तो 100% 50% ये पेरेंटल आना चाहिए, 50% ये आना चाहिए, 100% पेरेंटल करेक्टर आने चाहिए सर, रिकॉम्बिनेंट आना ही नहीं चाहिए। पर मैंने कहा बच्चा
इतना होने के बावजूद भी रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल है। अब ये चीज बच्चों को गवारा नहीं होती, होते सर मैं नहीं समझ सकता कैसे पॉसिबल है। मैं कहता हूँ होल्ड ऑन। क्यों होल्ड ऑन? क्योंकि बेटा जिस समय गैमेट बन रहे होते हैं उस समय होती है मियोसिस, और मियोसिस में होता है प्रोफेज वन, और प्रोफेज वन की पांच फेज लेप्टोटिन, जायगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, और इसमें पैकेटिन एक अवस्था आती है जहां पर होती है क्रॉसिंग ओवर, यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो बोला गया कि हो सकता है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ है, ये भी हो सकता है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी एक साथ है। अब ये गैमीट बनाने के पहले क्रॉसिंग ओवर करें, और अगर क्रॉसिंग ओवर करते वक्त जो ब्रिज है वो इनके बीच के बीच से गुजर जाए, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच से गुजर जाए और स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच से गुजर जाए, तो याद रखना जब ये क्रॉसिंग ओवर ब्रिज गुजर जाएगा, सब लोग ध्यान सुनेंगे, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी और ये क्रोमोसोम अलग अलग आएंगे, तो हो सकता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए, और हो सकता है स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाए। तो प्योर लिंकेज में भी रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी केवल किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर से। और क्रॉसिंग ओवर हर बार हो और हर बार ये अलग हो जरूरी नहीं है। बोले कैसे सर? बस मेरे पास यही जगह है तो मैं यही पर बता सकता हूं। बोले कैसे सर? मान लीजिए ये एक क्रॉसिंग ओवर हुई, अब यहां था कैपिटल ए, यहां था कैपिटल बी, यहां था स्मॉल ए और यहां था स्मॉल बी, और क्रॉसिंग ओवर यहां हुई। बताइए इस क्रॉसिंग ओवर होने पर ये रिकॉम्बिनेंट शो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कि क्रॉसिंग ओवर हो जाना इन दोनों को अलग करने की कोई गारंटी नहीं है। जब तक क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच से ना गुजरे तब तक ये अलग नहीं होंगे। तो याद रखना अगर क्रॉसिंग ओवर यहां से बन जाए या 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 यहां से बन जाए, बताइए अलग हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। इसका मतलब हर क्रॉसिंग ओवर में ये अलग हुए जरूरी नहीं है, और इसीलिए बेटा रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनने के चांसेस कितने हैं? ज्यादा की कम? कम। किससे कम? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट कितने होते? 50%। इसका मतलब 50% से कम रिकॉम्बिनेशन अगर दिखाई पड़े, मैं फिर से बोल रहा हूं 50% से कम रिकॉम्बिनेशन दिखाई पड़ जाए तो आप मान जाओ कि भैया यहां पर क्या है? लिंकेज। अब एक और बात देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन दोनों के दोनों जीन को हमेशा अलग करना है, तो मैं कहूंगा एक कोशिश करो, एक जीन को इस कोने पे डालो और एक जीन को इस कोने पे डालो। अब भी देखो मेरे बच्चे, इसके सामने स्मॉल ए आया, तब भी आया स्मॉल बी। कई बार टीचर और हम स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा। ना बाबू, जब तक जीन एक क्रोमोसोम में है ये लिंक है, इनमें कभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। रूल बना लो, जब तक जीन एक क्रोमोसोम में है दे आर लिंक, इनमें कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अब देखो अगर बेटा क्रॉसिंग ओवर हो गई यहां से तब भी ये अलग होगी, 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 यहां से तब भी अलग होंगे। इसका मतलब जितनी ज्यादा दूर गैमीट, जितनी ज्यादा दूर जीन, उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज्यादा, और जितने ज्यादा चांसेस रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस उतने ज्यादा। अगर 100 बार बेटा क्रॉसिंग ओवर हो, ध्यान सुनना जवाब देना, 100 बार क्रॉसिंग ओवर हो और 100 बार क्रॉसिंग ओवर सफल हो जाए, तो बताइए हर बार ये दोनों जीन अलग 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 हो जा रहे हैं, यानी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा है। तो 100 क्रॉसिंग ओवर होने पर 100 बार ये अगर अलग हो जाए, तो याद रखना हर बार ये अलग होने का कारण ये दोनों जीन पास पास है कि दूर दूर है? दूर दूर है। और ऐसा लिंकेज कहलाएगा लूज लिंकेज। लूज लिंकेज वो होता है जो बेटा हर बार क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग हो जाए। इसका मतलब है कि बेटा जितनी ज्यादा दूर जीन, रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस उतने ही। लेकिन फिर भी ये रिकॉम्बिनेशन किससे कम होगा?
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कितना रिकॉम्बिनेशन मिला 50, तो 50% से रिकॉम्बिनेशन कम ही आएगा अगर क्या हो लेंगे। और यही चीज एनसीईआरटी ने हवा बना के लिखी है, और बेटा बच्चे और टीचर भी खूब कंफ्यूज हो करके इसे पढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने मेरे बच्चे, मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं, ये येलो बॉडी और व्हाइट आई का जीन है जो एक ही क्रोमोसोम में, ये वाई प्लस है ब्राउन ब्राउन बॉडी और रेड आई, प्लस का मतलब है वाइल्ड। अब ये दोनों जीन पास पास है, मुझे नहीं मालूम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी जुगाड़ करने के बाद ये प्रोजनीज बनाई, और F2 जनरेशन की प्रोजनीज बनाने के बाद इन्होंने बताया कि पेरेंटल, क्या सुना, पेरेंटल 98.7% है और रिकॉम्बिनेंट 1.3% है। मैं कहता हूं बच्चों इसे रट्टा मारना बंद करो, तुम ये बोलो कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, ध्यान सुनो, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो 50% होते पेरेंटल और 50% होते रिकॉम्बिनेंट, लेकिन अगर लिंकेज हुआ, क्या हुआ लिंकेज, तो क्या बढ़ता है पेरेंटल और क्या कम होता है रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल बढ़ते बढ़ते 100% तक जा सकता है अगर जीन बहुत पास पास हो, अगर बहुत पास पास हो। अब यहां देखो जीन बहुत पास पास होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट कितना आया 1.3%, इसका मतलब ये दोनों जीन कैसे लिंक है, लूज की टाइट है। अभी यहां देखो फिर से मेरे बच्चे घबराना मत, यहां पेरेंटल 62.8 या रिकॉम्बिनेंट 37.2, अगर सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो पेरेंटल 50% होता, रिकॉम्बिनेंट भी 50% होता, लेकिन सर यहां पेरेंटल 62% है जो कि बढ़ रहा है, और सर रिकॉम्बिनेंट 37.2% है जो कि 50% से घट रहा, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब क्या हो लिंकेज। पर याद रखना रिकॉम्बिनेंट फिर भी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 37.2% है, इसका मतलब यहां पर जो लिंकेज है वो कैसा है। और मैं फिर हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, कई बार लोग लूज लिंकेज को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल देते हैं, नेवर से दैट, अगर ये बोला इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, आप ये बोलो जब तक जीन लिंक है तब तक उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। तो बोलेंगे अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा तो फिर बताओ उनमें रिकॉम्बिनेशन कैसे आ रहा, बोलो उसका कारण है क्रॉसिंग ओवर, और जीन जितनी ज्यादा दूर क्रॉसिंग ओवर उतनी ज्यादा, और इसीलिए बेटा बोला जाता है, इसीलिए स्टर्टीमेंट नाम का एक साइंटिस्ट था जो बेटा मॉर्गन का ही चेला था, उसने एक रूल बनाया कि बेटा 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर 1 मैप यूनिट, यानी आप जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा आपके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। और इस तरीके से उन्होंने जीन को क्रोमोसोम में मैप कर दिया, यानी क्रोमोसोम में उनकी पोजीशन को मैप करना चालू किया, बोले अगर दो जीन पास पास हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम है, और रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम है इसका मतलब उनकी मैप यूनिट कम है, और अगर दो जीन दूर दूर है तो उनके रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा है, और इस वजह से उन्होंने कहा इनकी मैप यूनिट ज्यादा होगी। तो जो जितना ज्यादा दूर उसके रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस उतने ज्यादा। मैं फिर बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मत बोलना, एक रूल बना लो कि जब जब बेटा लिंकेज होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का एक लॉ जो पूरी तरह सही नहीं है वो कौन सा है, इट इज थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वो कब भारी पड़ जाता है, कब, जब जीन एक ही क्रोमोसोम में हो या क्या अलग अलग, एक ही, अगर अलग अलग क्रोमोसोम में होती जीन तो वो हमेशा कैसी होती, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अगर एक ही क्रोमोसोम में होती तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। और अब आपको मैं फेमस क्वेश्चन दिखाता हूँ काका देव का, इसमें टीचर भी लड़ते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ या आप इसे सही मेरी तरह मानो, आपको जो सही लगे वो मुझे बताना। ये बेटा एक चार्ट दिया गया है, ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, और बोला गया है इनमें से एक क्रोमोसोम है और एक जीन है, पता लगाओ कौन है क्रोमोसोम कौन है जीन। तो बोले अकर इन पेयर एंड अकर इन पेयर, इससे कुछ साबित नहीं होता क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर में है, यस और नो, और जीन भी पेयर में है।
इस पॉइंट से तो हम कुछ साबित नहीं कर सकते कि कौन क्रोमोसोम कौन जीत, नहीं कर सकते। ओके, दूसरा पॉइंट, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमीट। इससे भी कुछ साबित नहीं किया सकता क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और बेटा जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो उनके साथ उनके गैमीट भी सेपरेट हो जाते हैं। सेम लाइन लिखी है, सेग्रीगेट एट द एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमीट। इस वाले से भी कुछ नहीं कहा सकता, ये दोनों एक ही जैसे लिखी हुई लाइनें हैं। अब जरा तीसरी लाइन पर आइए, वो लिखते हैं इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, पर ये सेंटेंस ठीक वैसा नहीं है। यहां लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर, यहां क्या लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। ये कोई भी क्रोमोसोम के साथ पॉसिबल है। देखिए ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन अगर इन दोनों क्रोमोसोम में जीन है, ये देखना ये क्रोमोसोम नीले वाले क्रोमोसोम में हरे वाले जीन है, तो मैंने बोला ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहा है, ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहा, इसका मतलब इसके क्रोमोसोम को और इस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट होने में एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और इसी तरह ये गैमीट भी आप ये जीन भी आपस में सेग्रीगेट हो रहा है बच्चा। लेकिन जरा यहां देखो, ये दो जीन एक साथ है और ये तीसरा जीन एक साथ है, और ये क्रोमोसोम है, अभी भी क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये दोनों जीन का सेग्रीगेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये दोनों जीन कैसी हैं डिपेंडेंट, और ये जीन इसके रिस्पेक्ट में कैसी है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होना किसका लक्षण है जीन का, और हमेशा इंडिपेंडेंट होना किसका लक्षण है क्रोमोसोम का। इसलिए कॉलम वन इज ऑलवेज अ जीन एंड कॉलम बी इज ऑलवेज अ क्रोमोसोम। पर लोग क्या कहते हैं कि पहले इसमें क्या लिखा है क्रोमोसोम, फिर लिखा है जीन, इसलिए कॉलम ए होना चाहिए क्रोमोसोम, कॉलम बी होना चाहिए जीन। प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं इसे मानूंगा नहीं, मैं इसीलिए मानूंगा क्योंकि ये दोनों सेंटेंस एक जैसे, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे, लेकिन ये दोनों सेंटेंस एक जैसे क्योंकि इसमें क्या लिखा है वन पेयर, यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर। इसका मतलब मानते हैं कि देयर मे बी सम डिपेंडेंट पेयर, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होना किसका लक्षण है जीन का। इसका मतलब ये कॉलम किसको डेडिकेटेड है जीन को, और ये वाला कॉलम किसको डेडिकेटेड है क्रोमोसोम को। और इस तरीके से बेटा आपका लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया, और आप इस चार्ट में बहुत दूर मत जाइएगा, बहुत देर परेशान मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा जितना ज्यादा दूर जीन होंगे उनके उनके क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज्यादा। और एक बात रूल बना लो कि 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट केवल तभी पॉसिबल है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ और लिंकेज हुआ तो पेरेंटल बढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट घटेंगे, और कभी भी रिकॉम्बिनेंट 50% से कम मिल जाए हुर्रे करो, इसमें क्या है लिंकेज। तो अगर कभी भी तुम्हें लिंकेज मिले तो आप ऐसे देखो। अब इसके बाद छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, और इन एप्लीकेशन को पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने खत्म कर दिया और मुझे खुशी है कि आप पढ़ा था कि एक जीन होता है वन जीन, ये किसी वन कैरेक्टर को ही वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट वेन मैनी जीन कंट्रोल्स सिंगल कैरेक्टर, एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें, एंड दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, सो व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? इट इज व्हेन मैनी जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। फिर से उल्टा मत बोलना, फिर से बोलना ध्यान से। व्हेन मैनी जीन कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट,
आदमी की हाइट, अब पी प्लांट की हाइट की बात अलग थी, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी कलर, ह्यूमन का बॉडी कलर और ह्यूमन की जो हाइट है, ये दोनों के दोनों जो करेक्टर हैं, इन करेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, और एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करने की वजह से इनमें ग्रेडेड पैटर्न आते हैं। व्हाट इज ग्रेडेड पैटर्न, अभी आपको दिखाता हूं मैं, मेरे पास ये जगह है जहां पर मैं इसे समझा सकता हूं, आइए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए तीन जीन है, ए जीन, बी जीन और सी जीन, तीनों जीन मिलकर के आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, हाइट कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब कंडीशन ये है कि आप कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हो सकते हैं। अगर आप कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, तो आप बहुत लंबे हो सकते हैं, क्योंकि तीनों जीन आपको लंबा करना चाहिए, और वो यू भी सकता है कि आपके सामने स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी हो, और इस समय आप बहुत बौने हो सकते हैं, पर हो यू भी सकता है कि आपके बीच में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी कंडीशन हो, और इस कंडीशन में आप इंटरमीडिएट हाइट के हो सकते हो। इसका मतलब है यहां से चलोगे तो आपको एक बेल शेप ग्राफ बनेगा, और बेल शेप ग्राफ क्या कहेगा कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी हाइट इंटरमीडिएट हाइट में आती है, और दैट्स व्हाई दिस पैटर्न इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनोमली, सॉरी दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें क्वांटिटी मायने रखती है, यानी हर एक जीन अपना कंट्रीब्यूशन देती है, कैपिटल ए कैपिटल ए, हर एक एलील अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अगर तीनों एलील, तीनों जीन अगर डोमिनेंट है तो सबसे ज्यादा लंबा, और तीनों जीन रिसेसिव है तो सबसे ज्यादा छोटा। अगर यही मैं बॉडी कलर में बोलूं तो अगर तीनों जीन डोमिनेंट है तो भयानक काला, लाइक नीग्रोज, और तीनों जीन अगर बेटा रेसिसिव है तो भयानक गोरा, जैसे कि बेटा हम लोग चले जाए अमेरिका में, इंग्लैंड में, और अगर तीनों जीन में से हर जीन हेटरोजाइगस है तो हम एशिया के लोग, जिन्हें हम लोग गेहूं कलर बोलते हैं। तो कलर में पैटर्न है, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी की एग्जैक्ट अलग है, इसका मतलब ग्रेडेड पैटर्न जब भी आएगी, ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। और बोलते हैं इनके ग्राफ हमेशा बेल शेप ग्राफ आएंगे, बेल शेप ग्राफ ये बताते हैं द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखना ये इंटरमीडिएट वाली जीन है, ये उनके बाद वाली जीन है, और ये सबसे डोमिनेंट वाली जीन है, याद रखना, और ये सबसे रेसेसिव वाली जीन है। बोलते हैं इनके कुछ फार्मूले हैं, अगर दो जीन से टू जीन कंट्रोल द वन करेक्टर, एक जीन दो, सॉरी दो जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करें तो क्या रेशियो मिलेगा, इट इज 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1। व्हाट इट मींस, एक भयानक काला, एक भयानक गोरा, एक छह लोग इंटरमीडिएट जो ना भयानक काले ना भयानक गोरे, चार लोग जो काले की तरफ है और चार लोग जो गोरे की तरफ है, इस तरीके का रेशियो मिलेगा 1:4:6:4:1। और अगर यही बेटा तीन जीन के द्वारा कंट्रोल हो, थ्री जीन के द्वारा कंट्रोल हो, तो रेशियो आएगा 1:6:15, 1:6:15:20:15:6:1। याद रखना बीच वाले ग्राफ से दोनों तरफ सिमेट्री में बराबर बराबर जाता है, जैसे ये 20 है तो 20 से दोनों तरफ चलो, इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6। तो दो जीन कंट्रोल करें तो फार्मूला होगा 1:4:6:4:1, और अगर तीन जीन कंट्रोल करें तो फार्मूला होगा 1:6:15:20:15:6:1। दो जीन का मतलब है टोटल कितनी प्रोजेनीज बन सकती है, 16, तो देखो है क्या 16, 6, 4, 10, 4, 14, 15 और 16, दो जीन का मतलब 2 to the power 2, यानी 4 गैमेट इधर से, 4 गैमेट उधर से, 4 4 16, और तीन का मतलब है 2 into 3 that is 8, and 8 into 8 it is 64. देखिए 64 है क्या, 15 15 30 30, इसके बाद 12 42 44, और फिर ये 20,
64 और इस तरीके से फार्मूला चलेगा 1:4:6:4:1। यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर और स्किन पिगमेंटेशन और ह्यूमन हाइट, ये सब के सब बेटा दे आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है बेटा, किसके एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक, आई एम सॉरी दूसरे पैराग्राफ में मैंने पढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपको बताया गया यही कहानी कि एक कंडीशन हो सकती है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, दूसरी कंडीशन हो सकती है स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, और बेटा बीच की कैरेक्टर भी हो सकती है। तो इस तरीके से वेन वन जीन, सॉरी वेन मैनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, इट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड नाउ हियर इज द प्लियोट्रॉपी, ठीक उल्टा ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वेन वन जीन, when one gene control many characters, जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। सो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ठीक उल्टा है। आइए इस प्लियोट्रॉपी को समझने की कोशिश करते हैं, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक फेनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड है, फेनाइल एलानिन। इस फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो हमारे बॉडी में चलती रहती है, और इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलानिन H फॉर हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम है, आगे मैं बढ़ जाऊंगा आप बता देना। एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ mRNA एंड mRNA इज मेड अप ऑफ DNA, यानी जैसा DNA वैसा mRNA, वैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम। तो अगर एक एंजाइम नहीं बन रहा है इसका मतलब एक जीन खराब हो गई है। अगर एक जीन खराब हो जाए, ध्यान सुनना, एक जीन खराब हो जाए तो एक mRNA नहीं बनेगा, एक प्रोटीन नहीं बनेगी, एक एंजाइम नहीं बनेगी, तो एक रिएक्शन नहीं होगी, और एक रिएक्शन नहीं हुई तो फेनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर फेनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फेनाइल एलानिन आपकी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगेगा। कोई कहेगा क्यों एक्युमुलेट होने लगेगा, क्योंकि हम खाना खाने से बाज नहीं आएंगे, फूड तो हम लेंगे और फूड में फेनाइल एलानिन होता है, और फूड में फेनाइल एलानिन होता है तो फेनाइल एलानिन हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा। अब फेनाइल एलानिन हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा तो ये कन्वर्ट होने लगेगा फेनाइल पाइरुविक एसिड में, और अगर ये फेनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगा तो ये बवाल मचाएगा, क्योंकि फेनाइल पाइरुविक एसिड इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। अब ये आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में गया तो मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा। दूसरा, चूंकि बेटा टायरोसिन आगे स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है तो आपका स्किन पिगमेंटेशन खराब होने लगेगा। तीसरा, ये यूरिन में पास होने लगेगा, और यूरिन में पास होने लगा तो आपको बीमारी होगी फेनाइल कीटो यूरिया। तो आप देखिए एक जीन में बवाल हुआ, बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल हो गए, इट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। क्या ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, अभी देखिए साफ साफ लिखी है, मैं लिख दे पढ़ लेता हूँ। वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट अ मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सच अ जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway which contribute towards the different phenotype. An example of this disease it is known as phenylketonuria which occur in human. The disease is caused by mutation in gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase. Single gene mutation then it manifests itself through the phenotypic expression character by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation, and एक जीन ने कई कैरेक्टर कंट्रोल किए, and this is a pleiotropy according to your NCERT. So आप इस तरीके से pleiotropy हो सकता है। Now there is one more topic, it is known as sex determination. इसकी भी कहानी अपनी लंबी कहानी है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको NCERT में पढ़ दूँगा। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हैंकिन नाम, ये लिखे हुए हैं ये लिखे हैं, अगर और सही से देखना है तो ईयर वाइज देखोगे तो ये लिखा हुआ 1851 है। और हैंकिंग गैमेटोजेनेसिस पे काम कर रहे हैं।
गैमीटोजेनेसिस, पहले तो आपको याद रखना चाहिए वो किस पे काम कर रहा था, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस देख रहे थे इंसेक्ट की, इंसेक्ट की गैमीटोजेनेसिस देख रहे थे। और इंसेक्ट की गैमीटोजेनेसिस देखने पर याद रखना, जब वो मेल इंसेक्ट की तरफ ध्यान से देखते थे तो मेल इंसेक्ट के सेल के अंदर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी हुआ करती थी, न्यूक्लियर बॉडी थी। ओके, उन्हें नहीं मालूम था ये बॉडी क्या है, क्यों है। तो जब कुछ नहीं मालूम होता है तो वैज्ञानिक मान लेते हैं कि माना ये बॉडी एक्स है, तो इन्होंने इसका नाम एक्स बॉडी रख दिया। और बोलते थे कि जब कभी मेल इंसेक्ट गैमीट बनाता है, याद रखना गैमीट बनाता है, तो दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, एक में एक्स बॉडी आती है, दूसरे में एक्स बॉडी नहीं आती, वो का मतलब जीरो। तो ये बार बार देखते थे कि यार जब भी मेल इंसेक्ट गैमीट बना रहा है तो वो हेट्रोगैमीट्स हैं, हेट्रोगैमीट्स का मतलब दोनों गैमीट्स अलग हैं, यानी कुछ गैमीट्स में बेटा वो एक्स बॉडी आ रही है और कुछ गैमीट में एक्स बॉडी नहीं आ रही। फिर एक बात और देखते थे, देखिए क्या देखते थे कि फीमेल बॉडी के सारे गैमीट एक जैसे, यानी फीमेल इंसेक्ट जब भी कोई गैमीट बनाती है तो ऑल गैमीट आर सिमिलर, यानी ऑलवेज। अच्छा, एनसीईआरटी ने ओवा में एक्स बॉडी है कि नहीं है ये बात की बात बताई नहीं, बस इतना बताया कि ओवा आर सिमिलर। बट स्पर्म दो प्रकार के हैं, यानी एक में एक्स बॉडी है और एक में एक्स बॉडी नहीं। अब वो क्या देखते हैं कि जब भी एक्स बॉडी वाला स्पर्म, ये देखना ओवा है और ये स्पर्म है, एक्स बॉडी वाला स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करता है, एक्स बॉडी वाला स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करता है किसी भी ओवा के साथ, तो हमेशा फीमेल बनती है। और वो ये भी देख रहे हैं कि बिना एक्स बॉडी वाला जब भी बेटा, बिना एक्स बॉडी वाला जब भी स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज कर रहा है तो भाई मेल बनता है। आपको उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्स बॉडी, बाद में ये पता चला जब बेटा हैंकिंग चले गए दुनिया से और दूसरे लोगों ने खोजा तो पता चला ये एक्स बॉडी एक्चुअली एक क्रोमोसोम है, दिस एक्स बॉडी इज एक्चुअली अ क्रोमोसोम। और चूंकि हैंकिंग ने इसे एक्स बॉडी बोला था, इसलिए हैंकिंग को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तक उस क्रोमोसोम का नाम क्या रखा गया, एक्स क्रोमोसोम। और आज तक उस क्रोमोसोम को एक्स क्रोमोसोम बोला। और इस तरीके से XO type of sex determination का बेटा पता चला। और आज हम लोग इसको बेटर वे से बता सकते हैं। अभी मैंने वो कहानी बताई जो हैंकिंग ने देखी थी, हैंकिंग को मालूम नहीं था क्या, लेकिन आज हमें मालूम है कि इंसेक्ट में बेटा, इंसेक्ट दो इंसेक्ट में मेल और फीमेल की बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम के साथ ऑटोसोम रखते हैं, ऑटोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम रखते हैं। और जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो ऑटोसोम के साथ एक एक्स बॉडी रखते हैं, दूसरी एक्स बॉडी होती नहीं है, इस तरीके से बोलते हैं एक्सो। इसलिए जब भी फीमेल गैमीट बनाती है तो ऑल गैमीट है ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। मैं ऑटोसोम को नहीं दिखा रहा हूं, तो आप मान के चलो हर फीमेल गैमीट में एक्स क्रोमोसोम होता है। और जब भी मेल गैमीट बनाता है तो यहां पर बेटा ऑटोसोम के साथ एक्स आता है और दूसरे में केवल ऑटोसोम होते हैं, एक्स नहीं होता है। और जब भी इनका फ्यूजन होता है, ये यहां पर ऑटोसोम ले लो वरना गड़बड़ हो जाएगा, जब भी इनका फ्यूजन होगा, मान लीजिए ओवा है ये और इनका फ्यूजन हो रहा है, तो ऑटोसोम ऑटोसोम पेयर कर जाते हैं, एक्स और एक्स पेयर कर जाते हैं, इस फ्यूजन से हमेशा लड़की यानी फीमेल बनती है। और जब भी बेटा बिना एक्स बॉडी के साथ होगा तो ऑटोसोम ऑटोसोम के साथ पेयर हो जाता है और एक्स के साथ कोई भी पेयरिंग नहीं आती, ये हमेशा मेल बनता है। और इस तरीके से उन्होंने बोला मेल इज ऑलवेज हेट्रोगैमेटिक। और इस तरीके से हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटरमिनेशन की अवधारणा बनी, मेल इज ऑलवेज हेट्रोगैमेटिक और फीमेल इज ऑलवेज होमोगैमेटिक इन इंसेक्ट।
अच्छा, लोग इंसेक्ट पे ही बेटा काम कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक और इंसेक्ट मिला जो इस एक्सो को नहीं मानता था, और इस इंसेक्ट का नाम था ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला बड़ा विचित्र इंसेक्ट था, क्योंकि उसमें एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था। क्यों? क्योंकि उसकी फीमेल, नो डाउट फीमेल जो थी वो एक्स एक्स क्रोमोसोम रखती थी, लेकिन मेल एक्स और वाई क्रोमोसोम रखता था। याद रखना, यहां पर बेटा नॉर्मल इंसेक्ट में जो ड्रोसोफिला के अलावा इंसेक्ट में थे, उनमें मेल में एक क्रोमोसोम कम पाया जाता था, फीमेल में क्रोमोसोम ज्यादा पाया जाता था, लेकिन ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल में क्रोमोसोम बराबर पाए जाते हैं, जितने मेल में उतने फीमेल में। बट फिर भी बेटा मेल हेटरोगैमेटिक क्यों है? क्योंकि उसके पास एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम नाम के दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और फीमेल में सारे क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और बेटा किस तरीके से मेल यहां पर फिर से कैसा हुआ? हेटरोगैमेटिक। तो इंसेक्ट में दोनों तरीके का गैमेट सॉरी सेक्स डिटरमिनेशन है, वन इज एक्स ओ टाइप और एक्स वाई टाइप। फिर बोला गया सर ह्यूमन में कैसा सेक्स डिटरमिनेशन है? बड़ा सिंपल है, ह्यूमन में इट इज एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब इसको पढ़ाने के लिए मत मुझसे कहिएगा, आप जानते ही हो ह्यूमन की फीमेल इट इज एक्स एंड एक्स और मेल इट इज एक्स एंड वाई। और एक कहानी इन्होंने लिखी है कि बताइए लड़का होगा कि लड़की होगी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बेटा फीमेल तो हमेशा जो गैमेट बनाएगी उसमें एक्स रहेगा, और मेल दो प्रकार के गैमेट बनाएगी, या तो एक्स या तो वाई। इसका मतलब अगर एक्स और एक्स से फ्यूजन हुआ तो लड़की पैदा होगी, और एक्स और वाई का फ्यूजन हुआ तो लड़का पैदा होगा। देखिए लड़का लड़की सब एक ही जैसा है, आज समाज में कोई भी किसी से कम नहीं, पहले भी कम नहीं था, पर ये हमारे समाज की सबसे बड़ी खराबी है कि अभी भी आप कुछ शहरों में चले जाइए, कुछ प्रदेशों में चले जाइए, लड़कियां होना मुश्किल कर देते हैं लोग। तो लोग लड़कियां पैदा होने पर फीमेल को मारते थे कि भैया तुमने लड़की पैदा कर दी, लेकिन मार एक्चुअली किसे पड़नी चाहिए कुछ सोचो, फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम दे रही। तो बेटा लड़का होगा लड़की होगी ये किस पर निर्भर करता है? मेल पर, यानी पापा पर निर्भर करता है। तो एक्चुअली जब लड़की पैदा हो वैसे तो मारना ही नहीं चाहिए किसी को, अगर मार पड़नी भी चाहिए तो किसे पड़नी चाहिए? पापा कि भैया तुमने क्यों ऐसा किया कि लड़की पैदा हो। वैसे तो लड़की और लड़का दोनों समान है, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसीलिए एनसीईआरटी आपको उस साइंस के साथ मॉरल साइंस भी पढ़ाना चाहती है, और इसीलिए मॉरल साइंस पढ़ाते वक्त उन्होंने एक नया टॉपिक ही बनाया है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, ताकि तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे। कई बार पढ़े लिखे ज्यादा गवार लोग आते हैं, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो आपको बड़े से पढ़े से पढ़े लोग आएंगे और बोलेंगे भैया हमारे पास दो बिटियां हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बता दो कि ये बता दो अंदर बिटिया है कि बेटा है। तो आपको मन खराब होता है और आपको लगता है कि दो थप्पड़ मारे इनको कि इन्होंने पढ़ाई करने के बाद भी क्या सीखा, पता नहीं समाज कैसा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक केवल इसलिए पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ाया गया कि तुम जान लो लड़का या लड़की होने पर कौन ज्यादा दोषी है। इट इज नॉट द फीमेल, माँ दोषी नहीं है, मेल दोषी है। और ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये तुमको आता है। आगे बढ़ जाओ, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछते हैं। देखना बेटा जो फीमेल होती है ये डिप्लॉइड है, 2n है, ध्यान सुनना, 2n के दौरान ये गैमेट बनाती है, ओजेनेसिस करती है। सब लोग इधर देखो वरना आपके सामने मामला बिगड़ जाएगा। ओजेनेसिस करते वक्त इसके ओवम बनते हैं, एन और एन ओवम बनते हैं, याद रखना। अब एन और एन ओवम को ये ओवा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं ओवा, स्पर्म की जरूरत है। अगर स्पर्म एन कंडीशन पे आ जाए और ओवा एन कंडीशन पे आ जाए तो 2n जायगोट बनेगा। अब जो ये 2n जायगोट बनेगा ये हमेशा फीमेल इंसेक्ट को बनाएगा, फीमेल को बनाएगा। लेकिन कभी कभी यूं होता है कि ओवा स्पर्म से फ्यूज नहीं करता, और ऐसा ओवा बिना फ्यूजन के ही बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस कर देता है। इस एम्ब्रियोजेनेसिस का होना मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। कोई पूछे व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, तो आप बोलते व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब जो एम्ब्रियोजेनेसिस हुई तो बेबी बना, और वो बेबी बना हैप्लॉइड, एंड हैप्लॉइड इज ऑलवेज मेल।
अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर अगर ये मेल है तो ये भी तो गैमेट बनाएगा, अब बताओ मियोसिस करेगा कि माइटोसिस? माइटोसिस सामने लिखा हुआ है, मेल इज 16 दैट इज एन, गैमेट माइटोसिस से बन रहा है दैट इज एन, बंदा एन गैमेट एन, याद रखना फीमेल इज 2 एन, मियोसिस मियोसिस 16 और 16 मिलकर क्या बनाए 32, 32 इज ऑलवेज फीमेल, और अगर मेल बनाना है तो केवल हैप्लॉइड गैमेट की पार्टेनोजेनेसिस करा दो, तो याद रखना diploid is female, haploid is male. This type of sex determination is known as haplo. It is, I think, to point is missing here. Okay. That point is missing, I think, here. Okay. So, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, आप एक बार में पढ़ी लो तो अच्छा रहेगा. The sex determination in honeybee is based on the number of set of chromosome individual species and offspring formed from the union of sperm and egg develop as a female. अगर कोई diploid है तो या तो female बनेगा या तो worker बनेगा. An unfertilized egg develop as a male that is drone by means of parthenogenesis. This means that the male have half number of the chromosome than that of female. Female is always 2n and male is always n. तो ये आपको याद रखना है. इतना याद रखने के बाद आगे की लाइन है, क्रोमोसोम मेल आर हैप्लॉइड हैविंग द 16 क्रोमोसोम एंड दिस इज कॉल्ड, देखो लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं था ध्यान से, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन. तो आपने तीन तरीके के डिटरमिनेशन देखे, एक एक्सो, एक एक्सवाई और एक हो गया हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन. एक और बचता है, इट इज नोन एज ZZ एंड ZW टाइप ऑफ, ये बर्ड्स में पाया जाता है. बर्ड्स और बर्ड्स बाकी लोगों से अलग होती है, क्यों? क्योंकि बर्ड्स की जो फीमेल होती है वो होती है हेटरोगैमेटिक यानी ZW होती है, और जो मेल होते हैं दे आर होमोगैमेटिक. अदरवाइज बाकी दुनिया में मेल इज हेटरोगैमेटिक एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक. बर्ड्स के केस में ये थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर बेटा फीमेल होती है हेटरोगैमेटिक ZW और मेल कैसे होते हैं होमोगैमेटिक. तो दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटरमिनेशन. नाउ हियर इज द म्यूटेशन. म्यूटेशन एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसे जब पढ़ाता हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में समझ में आ जाए. अगर आपको कम समय में समझ में आ जाता है तो मेरा काम बन जाएगा. व्हाट इज म्यूटेशन? चलिए अभी आपको ध्यान से देखना. म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक sudden inheritable change in genetic material में sudden inheritable change हो जाना, it is known as mutation. और mutation दो प्रकार के होते हैं, one is known as chromosomal mutation और दूसरे तरीके के म्यूटेशन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन. भाइयों बहनों जीन म्यूटेशन दे आर आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन इस चैप्टर में समझा पाना नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि मुझे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, जीन का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, नाइट्रोजन बेसिस समझाने पड़ेंगे, कोडॉन समझाना पड़ेगा जो अगले चैप्टर में आएगा, यानी इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा. तो जीन म्यूटेशन को हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए रख लेते हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा आपको जीन म्यूटेशन समझ में आएगा. और इसके लिए आपकी बुक में म्यूटेशन दोनों चैप्टर में दिया है, इस चैप्टर में भी दिया है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब आए क्रोमोसोमल म्यूटेशन. सर ये क्या बोला है? देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो प्रकार है, या तो क्रोमोसोम के शेप में कोई दिक्कत आ जाए, साइज में कोई दिक्कत आ जाए, कंटेंट में कोई दिक्कत आ जाए और ये दिक्कत बेटा इनहेरिट हो जाए, सडन हो जाए, तो हम इसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह सकते हैं. जैसे क्रोमोसोम अच्छा खासा था और उसकी एक बेटा जो बेटा क्रोमेटिड थी वो टूट गई. अगर टूट गई तो इसे बोलेंगे डिलीशन. डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमेटिड इट इज नोन एज म्यूटेशन. यूं भी हो सकता है कि बेटा ये डिलीट वाली चीज कहीं जाकर के ऐड हो गई, दैट विल नोन एज एडिशन. एडिशन भी हो सकता है.
इसके अलावा यू भी हो सकता है किसी एक दूसरे होमो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, यानी ये दोनों होमोलॉगस हो गए आपस में, ये दोनों होमोलॉगस हो गए, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज बिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस के बीच में होती है, होमोलॉगस के बीच में होती है, लेकिन अगर नॉन होमोलॉगस के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इट इज अ म्यूटेशन। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क इन नीट, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, यही क्वेश्चन था जो दो साल पहले पूछा गया, क्या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एक अवैध क्रॉसिंग ओवर है? यस, इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर उसे बोलते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में होती तो लेजिटिमेट होती, इन दोनों के बीच में होती लेजिटिमेट होती, लेकिन अगर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो जाए तो इललेजिटिमेट होगा, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। या तो बेटा म्यूटेशन सेम साइज और कंटेंट में हो, गड़बड़ करें तो तीन कंडीशन हो सकते हैं, एडिशन डिलीशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये बड़ी बला है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या करना, मान लीजिए किसी के पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो आपके पास ये 23 पेयर क्रोमोसोम है, हर पेयर का एक सेट, एक सेट इट इज एन, दूसरा सेट इट इज एन, एंड एन इज नोन एज जीनोम, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। अगर आप एन है और एन है तो आपके पास दो सेट है जीनोम के, जीनोम के एक सेट है कि दो सेट, दो सेट, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। तो अगर सेट में नंबर बढ़ जाए, मतलब बंदा 2n था और 3n हो जाए, 3n से 4n हो जाए, तो बताइए एक आधा क्रोमोसोम बढ़ रहा है कि सेट बढ़ रहा है? सेट बढ़ रहा है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी। तो आप यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी को समझने की कोशिश करें। कोई पूछे व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, तो आप बोलेंगे व्हेन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, देन इट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। लेकिन कभी कभी सेट ऑफ क्रोमोसोम में फर्क नहीं पड़ता, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में फर्क पड़ता। फिर से सुनो, अगेन सुनो इसे, कभी कभी यू होगा आपके सामने कि एक पेयर क्रोमोसोम ये रहा, एक पेयर क्रोमोसोम ये रहा, ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एवरी पेयर क्रोमोसोम इज नोन एज डाइसोमी। व्हाई डाइसोमी, क्योंकि हर पेयर में कितने लोग हैं, दो, तो दो लोगों का होना इट्स अ नॉर्मल थिंग। पर मान लो आपकी 46 क्रोमोसोम में 23 जगह पर डाइसोमी है, 23 प्लेसेस आर हैविंग द डाइसोमी, 23 प्लेसेस ऐसे हैं जहां डाइसोमी है, तो आपके सामने ये पेयर एक डाइसोमी है, ये पेयर एक डाइसोमी है, ये पेयर एक डाइसोमी, इस तरीके से डाइसोमी के बहुत सारे पेयर हैं। तो कोई तुमसे पूछे डाइसोमी के कितने पेयर हैं, तो आप बोलोगे 2n, 1 2 3 4, 23 पेयर डाइसोमी। पर मान लो किसी एक जगह पर 3 क्रोमोसोम आ जाए, बाकी सब जगह 2 क्रोमोसोम आ जाए, तो पूरा सेट 2n था और 2n में कोर क्रोमोसोम कितना बड़ा, 1, और एक क्रोमोसोम बड़ा सब जगह बड़ा कि किसी एक जगह, एक जगह बड़ा, तो आपने बोला उस जगह पर डाइसोमी हो गई कि ट्राइसोमी, तो 2n प्लस 1 का मतलब होता है इट इज अ ट्राइसोमी। और जब भी ट्राइसोमी लिखें तो प्लेस जरूर बताएं, क्यों 23 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी पहले पेयर में हुई, 13वें में हुई, 18वें में हुई, 21वें में हुई, इसका मतलब ट्राइसोमी होना इट इज अ प्लेस रिलेटेड। किसी ने कहा सर यहां पर हुई है 21वें पेयर में ट्राइसोमी हो गई, तो मैंने कहा अगर 21वें पेयर में ट्राइसोमी हो गई तो सिंड्रोम का नाम क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। बोलो क्या होगा, जिसकी आगे कहानी में सिखा दूंगा। 18वें पेयर में हो गई तो एडवर्ड, 13वें पेयर में हो गई तो पटाउस, तो अगर 3 हो गए तो ट्राइसोमी। यूं भी हो सकता है कि सर एक पेयर में एक ही क्रोमोसोम बचे, अगर एक ही क्रोमोसोम बचे बाकी जगह दो है, तो बताइए अब क्या गिराएगा, मोनोसोमी, इट विल कॉल्ड एज 2n-1, 2n-1 इज मोनोसोमी, 2n+1 इज ट्राइसोमी। अगर किसी ने लिखा सर 2n+1+1, इसका मतलब दो ऐसी जगह है जहां पर पेयर में कितने लोग आ गए, 3, इट इज नोन एज डबल ट्राइसोमी।
और अगर कोई लिखे 2n plus 2, इसका मतलब एक जगह पर एक बड़ा कि दो बड़े गए, दो बड़े गए, इट इज नोन एज टेट्रासोमी, चार आ गए तो टेट्रासोमी, एक बचा तो मोनोसोमी, दो हुए तो डाइसोमी, दो जगह पर तीन तीन हो गए तो डबल ट्राइसोमी, और इस तरीके से क्रोमोसोम म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेंगे और इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। खैर इतना पढ़ लेने के बाद वेयर वी हैव दैट वन मोर एनालिसिस नोन एज पेडिग्री एनालिसिस, और लोग इसका बड़ा हल्ला मानते हैं कि सर ये सॉल्व नहीं होती है, बड़ी मुश्किल करती है। याद रखना पेडिग्री एनालिसिस बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन हम लोगों ने इनको बड़ा मुश्किल बनाया है। पहली बात, पेडिग्री एनालिसिस इज अ फैमिली हिस्ट्री, इतना याद रखना, किसी भी फैमिली की आप हिस्ट्री लिख रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स, व्हेन यू आर राइटिंग द फैमिली हिस्ट्री, किसी भी फैमिली की हिस्ट्री लिख रहा हो और उसके जेनेटिक कैरेक्टर की बेसिस पर फैमिली हिस्ट्री लिख रहे हो तो अब आप पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हो, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी तो उसके फैमिली के मेंबर का नाम लिखना पड़ेगा। अब फैमिली के मेंबर के नाम के साथ आप उसको बताना पड़ेगा कि किसके पास वो कैरेक्टर था, किसके पास नहीं था, तो आपको कुछ कोड देखने पड़ेंगे और वो कोड आपको याद रखने। मान लीजिए आपने कोड में स्क्वायर बनाया, इसका मतलब क्या है मेल, अगर सर्किल बनाया तो फीमेल, कभी आप भूल गए कि यार उनके कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी, आप कह रहे 5 संतानें थी, याद ही नहीं आ रहा कि यार लड़के कितने थे लड़की कितने थे, तो आपने 5 संतानें लिख दी पर ये नहीं पता चल पा रहा कि उनमें कितने लड़के थे, 3 लड़के थे कि 2 लड़कियां थी कि 2-4 लड़के थे कितनी लड़कियां थी, तो आपने क्या कर देना है संतानें ऐसे लिख देनी है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। याद रखना अगर कहीं पर भी कलर्ड चीजें मिल जाए, अगर ये कलर्ड मिल जाए इसका मतलब जो कैरेक्टर आप ढूंढ रहे हो इसमें प्रेजेंट है, ये मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और जब भी कभी मेल और फीमेल के बीच में ट्रांसवर्स लाइन आए ये मेटिंग या फिर मैरिज बताती है, ये बताती है कि इन लोगों ने मेटिंग की या फिर इन लोगों ने मैरिज की, और जब भी कभी मेल और फीमेल के बीच में डबल लाइन मिल जाए इसका मतलब ये दोनों क्लोज रिलेटिव है। इस तरीके की मैरिजेस मुस्लिम एंड ज्यूज में मिलती हैं जो क्लोज रिलेटिव में शादी कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स और कॉन्सिग्नस मेटिंग। तो आपको कई बार पेडिग्री में ये मिलेगा, मुस्लिम और ज्यूज में मिल सकते हैं, अब जरूरी नहीं, अब तो लोग शायद नहीं कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर समय पर पहले हिस्ट्रीज में मिलती है। तो याद रखना मेल फीमेल अनस्पेसिफाइड अफेक्टेड इंडिविजुअल जिनमें वो कैरेक्टर ढूंढ रहे, मान लो हीमोफीलिया ढूंढने गए तो अगर हीमोफीलिया प्रेजेंट है तो वो बेटा कलर्ड होंगे, अब्सेंट है तो कलर्ड नहीं होंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है मेटिंग, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बेटा इट इज अ मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। अब प्रोजनी लिखने के तरीके क्या है, मेल और फीमेल की मैरिज आपने दिखाई ट्रांसवर्स लाइन से, फिर उससे वर्टिकल लाइन लिखाई और फिर ट्रांसवर्स लाइन में बच्चे लिखे, और बच्चे हमेशा काउंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब इस जोड़े के यानी इन दोनों लोगों माँ बाप की पहली संतान क्या थी लड़की, दूसरी संतान क्या था लड़का, आप ये नहीं कह सकते कि पहला लड़का था दूसरी लड़की थी, ऑलवेज ग्रो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट बच्चों के सीक्वेंस को बताता है, यानी इनकी बेटी बड़ी थी बेटा उससे छोटा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप काउंट करेंगे। अब आपने देखा इन दोनों में एक ही लड़का हुआ और वो लड़का डिसीज था, याद रखना अगर इन्होंने कहा 5 लोगों को अनअफेक्टेड था क्योंकि यहाँ पर बेटा कोई भी डॉट नहीं, तो इन्होंने दिखाए हैं कि क्या क्या कोड से हम लोग पता लगा, और पता लगाने के बाद इन्होंने पेडिग्री एनालिसिस में कुछ और बताया ही नहीं, और पूछते हर साल इन्होंने 2 पेडिग्रीज बना दिया आपके सामने, आई थिंक पेडिग्रीज आगे बने और बोलते हैं पेडिग्रीज को पता लगा। देखिए इनका पता लगाने के तरीके बड़े खतरनाक है, बहुत सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत करते हैं, और वो बताते हैं कैसे पेडिग्री को सॉल्व करना चाहिए। हाँ आपकी 90-100% नहीं 90% पेडिग्रीज को सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है जो मैं जानता हूं जो मुझे आता है, हालांकि इसका मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है, तो ये वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर के भी देख सकते हो और ओमेगा चैनल में भी देख सकते हो, मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय डॉक्टर सुनील कुमार, और मैंने पेडिग्री एनालिसिस का
पूरा कैसे सॉल्व करते हैं इसका तरीका सिखाया है, वो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। फिलहाल उसका एक शॉर्टकट मेथड में आपको बताने की कोशिश कर। पहला क्वेश्चन आपको देखना है कि डिसीज या तो डोमिनेंट होती है या तो डिसीज रिसेसिव होती है। आपको बस ये पता लगाना है कि डिसीज जो पेडिग्री में है या करेक्टर जो पेडिग्री में, वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव। और दूसरी आपको कैटेगरी में पता लगाना होता है कि डिसीज ऑटोसोमल है या फिर बेटा सेक्स लिंक है। सेक्स लिंक का मतलब है या तो एक्स क्रोमोसोम से लिंक होगी या तो वाई लिंक से। तो अगर आप ये चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, जो एक्चुअली दो क्वेश्चन है, अगर ये सॉल्व करना आता है तो पेडिग्री आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आप किसी भी पेडिग्री को देखते वक्त दो क्वेश्चन पूछें। पहला क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा एनसीईआरटी में दिया भी नहीं, इसलिए अगर आपको बहुत डिटेल देखना है तो आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप पूछो, क्या स्किपिंग प्रेजेंट है? स्किपिंग, अब स्किपिंग क्या होता है? ऐसी कंडीशन देखो कि माँ बाप को डिसीज हो और बच्चे को ना हो और फिर उसके बच्चे को, इसे बोलते हैं स्किपिंग। या फिर माँ बाप को ना हो और बच्चे को हो जाए, इसे बोलते हैं स्किपिंग। इसमें देखो, यहां मां बाप को डिसीज नहीं है पर बच्चे को डिसीज है, इसे बोलते हैं स्किप करना, जनरेशन स्किप करना। पर यहां मां बाप में से मां को है, बच्चे को है, फिर देखो यहां मां बाप को नहीं है तो बच्चों को भी नहीं, इसे स्किपिंग नहीं बोलेंगे। मां बाप को नहीं है तो बच्चे को नहीं है, ये स्किपिंग नहीं है। पर मां बाप में मां को है तो बेटा भी दो बेटिया को भी, तो ये स्किप नहीं कर रही है डिसीज। बोलेंगे देखे सर इनमें तो डिसीज ही नहीं, तो हम कहेंगे भैया तुम्हें यह देखना है कि मां बाप को ना हो और बच्चे को, इसे बोलते हैं स्किपिंग। अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, पहला क्वेश्चन भैया तो स्किपिंग अब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है यानी स्किप हो रही है जनरेशन, तो ये रिसेसिव डिसीज है। अब दोनों पेडिग्री देखो तुम ध्यान से, यहां स्किप कर रही जनरेशन यानी कि यहां पर मां बाप को डिसीज नहीं है और बच्चे को डिसीज है। देखिए माँ बाप को नहीं, बच्चे दोनों, लड़का लड़की दोनों को डिसीज है, इसका मतलब स्किप करके यहाँ पर ये रेसेसिव डिसीज लिख लो, ये रेसेसिव। और देखिए यहाँ पर स्किप नहीं कर रहे, माँ को है तो बच्चे को है, माँ को है तो बच्चे को। कुछ लोग यहाँ पर दिखाएंगे तुम्हें, देखो ये बताओ, तो तुम बोलो पगले ये दोनों माँ बाप है, इन दोनों को नहीं है और बच्चों को भी नहीं, इसको स्किपिंग नहीं होती। तो आपके सामने जैसे ही स्किपिंग दिखाई पड़ जाए आप मान लो ये रिसेसिव और स्किपिंग ना हो तो आप इसे क्या मानेंगे? डोमिनेंट। तो आपको दिख रही है ये पेडिग्री डोमिनेंट की और ये हो गई रिसेसिव। अब पूछा जाए सर डोमिनेंट रिसेसिव तो पता चल गया, ये क्वेश्चन को सॉल्व, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक कैसे पता चलेगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑटोसोमल डिसीज लड़के और लड़की में बराबर तरीके से आती है। देखो मम्मी को डिसीज थी, लड़के को भी है, लड़की को। अब आप कहोगे सर यहाँ पर लड़की को है लड़की को है, तो मैंने कहा भी और थोड़ा और बच्चे होते तो हो सकता लड़की को। तो यहाँ देखो जब डिसीज लड़के और लड़की दोनों को बराबर हो, ऐसी डिसीज ऑटोसोमल होती है। क्या होती है? यहाँ पर भी देखो लड़के और लड़की को बराबर डिसीज है, इसलिए से क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल। तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर सेक्स लिंक होती तो क्या होता? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मम्मा को डिसीज होती तो बेटे को जाती और पापा को डिसीज होती तो बिटिया को जाती। अगर ऐसी डिसीज है तो एक्स लिंक्ड डिसीज होती है। मैंने फिर कहा उन पेडिग्री को बनाने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए आप जाकर के वीडियो देख लें, वहां पर आपके पास 22-25 पेडिग्री मैंने सॉल्व किए हैं और उनको सॉल्व करने के सिंपल तरीके सिखाए हैं। आप अगर सीख लेंगे तो आपको फिलहाल दो ही क्वेश्चन पूछने, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, या तो ऑटोसोमल या तो सेक्स लिंक। और क्वेश्चन क्या पूछना है? स्किपिंग है कि नहीं, अगर है तो रिसेसिव, नहीं है तो डोमिनेंट। और फिर पूछना अगर लड़के लड़की में बराबर डिसीज आ रही है तो ऑटोसोमल, नहीं आ रही है तो फिर पैटर्न देखो। पैटर्न में अगर पापा से बेटे की तरफ बिटिया की तरफ जा रही है तो समझ जाओ ये एक्स लिंक है, और पापा से बेटे की तरफ जा रही है तो समझ जाओ कैसी है, वाई लिंक है, क्योंकि पापा अपना वाई क्रोमोसोम किसे देता है?
बेटे को और पापा अपना एक्स क्रोमोसोम किसे देता है, बिटिया को। तो अगर पापा से बिटिया की तरफ जा रही है तो एक्स लिंक है, पापा से बेटे की तरफ जा रही है तो ये वाई लिंक है। और इस तरीके से कुछ चीजें सॉल्व होंगी जिससे आपके 90% पेडिग्री क्वेश्चन पलक झपकते ही आ जाएंगे। बाकी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं सर 100% श्योर होना चाहते हैं, तो एक एक पेडिग्री विल टेक 10 to 15 minutes और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगा सको, तो शॉर्ट तरीके अपना करके आगे बढ़िएगा। बाकी वीडियो देख लीजिएगा और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद कुछ डिसीज आपकी बुक में दिए गए हैं और इन डिसीज के बारे में बोला गया है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो आइए मेंडेलियन डिसऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो मेंडल के फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं, मेंडल फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। The disorder which behave like Mendel factor, पर Mendel का factor क्या होता है? Gene। तो बाहर बोलते हैं all the disorder which are related with the single gene, फिर से बोलना all the disorder which are related with the single gene or the gene, they are known as Mendelian disorder। अगर कोई disorder पूरे chromosome से related है तो Mendelian disorder नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं कि इन डिसऑर्डर को मेंडल बता गए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये डिसऑर्डर मेंडल के फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और मेंडल के फैक्टर के तीन रूल थे, पहला रूल लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मेंडल कहते थे कि याद रखना मेरे पास फैक्टर या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव। इसका मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होंगे या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव, या तो ऑटोसोमल होंगे या तो सेक्स में। और इस तरीके से उन्होंने एक लिस्ट दी है आपके सामने, अगर वो लिस्ट आप सही पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर आ रहा है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा। तो ये लिस्ट बना लीजिए, ये सब के सब सिंगल जीनिक डिसऑर्डर है, जीन डिसऑर्डर है। और जितने भी जीन डिसऑर्डर्स होते हैं दे दीज डिसऑर्डर्स आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ओके, अब इन मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक एक करके बुक ने पढ़ाया है। इनमें से हमारे पहले हाथ में आया है कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? लोग बोलते हैं अंधा होना, अंधा नहीं है। यहां पर बंदे का विजन ठीक है, विजन तो ठीक है, विजन अच्छा है, बट कैन नॉट डिफरेंशिएट, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स। यानी वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, उसे रेड और ग्रीन अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते। मतलब आंखें ठीक है, बाकी सब कुछ देख रहा है, लेकिन रेड और ग्रीन कलर का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। ऐसा डिसऑर्डर कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। याद रखना ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर का मतलब वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, और एक्स लिंक डिसऑर्डर जब भी होते हैं, सब लोग यहां देखिएगा, तो ये रहा एक्स सी एक्स, ये फीमेल है। और रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो कैसे हो, होमोजाइगस। अब बताओ ये फीमेल डिसीज है कि कैरियर है? डिसीज। अभी देखो ये बंदा कैसा है, डिसीज। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा बताओ ये बंदी डिसीज है कि कैरियर है? कैरियर। इसे डिसीज नहीं। अच्छा बताओ ये बंदा डिसीज है कि नॉर्मल है? नॉर्मल। अच्छा बताइए ये बंदी डिसीज है कि नॉर्मल? नॉर्मल। बंदी में तीन कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल, कैरियर, डिसीज। बंदे में दो ही कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल या डिसीज। मतलब कैरियर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट हैव वन एक्स क्रोमोसोम ओनली। कंडीशन को बोला जाता है कि अगर पापा डिसीज है एक्स सी वाई, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और मम्मा कैरियर है। मम्मा कैरियर है, देखिए भाई साहब एक्स सी एक्स। तो बताओ अगर तुम इनसे पूछो इन्हें कलर ब्लाइंडनेस होगी कि नहीं, जवाब है नहीं होगी। इन्हें कलर ब्लाइंडनेस होगी, यस। याद रखना इन्हें कलर ब्लाइंडनेस नहीं, यानी मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस बीमारी नहीं है, कैरियर है, और पापा को कलर ब्लाइंडनेस है। अब देखना ये कितने प्रकार के गैमेट बनाएंगे, एक्स सी वाई, और मम्मा कितने प्रकार के गैमेट बनाएंगे, देखना एक्स सी एक्स। अब आप देखो ये कंडीशन क्या होगी, एक्स सी एक्स सी एक कंडीशन, एक्स सी एक्स दूसरी कंडीशन, इधर देखो एक्स सी वाई तीसरी कंडीशन,
और इसके अलावा एक्स वाई, अब आपसे बोला जाएगा तो बताओ ये डिसीज है कि नॉर्मल है? डिसीज। ये वाला बंदा नॉर्मल, ये वाला डिसीज, ये वाला नॉर्मल, पक्का? पर बताओ डिसीज किसको थी? डिसीज थी पापा को, और उन्होंने किसको डिसीज कर दिया? बिटिया को। अभी देखना इसी बीमारी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब आपके सामने दिखा रहा हूं एक्स सी वाई, और अब दिखा रहा हूं नॉर्मल एक्स। अब बताइए मम्मा डिसीज है कि नॉर्मल? नॉर्मल। पापा डिसीज है कि नॉर्मल? डिसीज। अब पेडिग्री बनाइए, अब पेडिग्री बनाते ही आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी। वन इज एक्स सी, अनदर वन इज वाई। ये पापा के दोनों गैमेट है, मम्मा के गैमेट एक्स और एक्स। अब देखिए एक्स सी एक्स नॉर्मल डिसीज, नॉर्मल एक्स सी एक्स नॉर्मल, यस। सी ये डिस्कैरियर, ओके। नाउ एक्स वाई एंड दिस इज एक्स वाई, आई थिंक यही होगा। अब आप देख रहे हो ये डिसीज किसको जा रही है? किसी को नहीं जा रही, लेकिन बंदा कौन कैरियर हो रहा है? फीमेल। इसका मतलब पापा अपनी डिसीज को का फैक्टर किसे दे रहे हैं? बिटिया को। इसका मतलब एक ऐसा इनहेरिटेंस है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर पापा बीमार हैं तो किसकी तरफ जाएगा? मम्मा की तरफ। अगर मम्मा बीमार है तो, सॉरी पापा बीमार है किसकी तरफ जाएगा? बिटिया की तरफ। अगर बेटा मम्मा बीमार है तो बेटे की तरफ। जरा इसको भी देख लो, ये कंडीशन आपको और क्लियर कर देगी। नाउ सी इज नॉर्मल और कैरियर, कैरियर। एंड नाउ ही इज नॉर्मल और कैरियर, नॉर्मल। अभी बताओ दोनों में डिसीज किसी को नहीं, डिसीज किसी को नहीं, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं, लेकिन ये कैसी है? कैरियर। अब देखना कहानी क्या है, एक्स सी एक्स और दूसरा बंदा है यस एक्स और वाई, इनके दोनों गैमेट। अब बताइए एक्स सी एक्स कैरियर, X, C, Y, disease, X, X, normal, और X, Y, normal, बताओ disease किसी को नहीं थी, मम्मा क्या थी? Carrier, और फंसा कौन? बिटिया की बेटा, बेटा, इसका मतलब मम्मा अपनी जीन किसे प्रोवाइड कर देती है? बेटे को। इसका मतलब मम्मा को होने वाली डिसीज हमेशा किसको जाएगी? लड़कों को। अगर कोई भी X लिंक रिसेसिव डिसीज है, तीन बार बोलो, अगर कोई भी X लिंक रिसेसिव डिसीज है उसकी प्रीवेलेंस लड़कों में ज्यादा होगी कि लड़कियों में? लड़कों में। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इधर जाता है टुवर्ड्स बॉयज, और इसीलिए बोलते हैं इट अकर्स अबाउट 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल। इसका मतलब एक्स लिंक डिसीज ज्यादातर किन में पाई जाती है? मेल में, और कम किस में पाई जाती है? फीमेल में। क्योंकि फीमेल को डिसीज होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम चाहिए रिसेसिव कंडीशन में, और मेल के लिए एक ही काफी है, एंड दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस इन परसेंटेज। ओके, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर था। इसके बाद हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, और बेटा ये रॉयल डिसीज बोली जाती है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया तो थी। यहां पर लिखा गया है लास्ट में दिया है, ये रही क्वीन विक्टोरिया को डिसीज थी। हीमोफीलिया डिसऑर्डर ये डिसऑर्डर होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आ जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जब आपके बॉडी में कोई चोट लगे, कट लग जाए तो खून बहने लगता है, और खून बहने लगता है तो क्लॉट बन जाता है। अगर क्लॉट नहीं बन रहा है तो खून बहता ही रहेगा, और खून बहता ही रहे इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया बीमारी बेटा क्वीन विक्टोरिया को थी, और ये भी सेक्स लिंक डिसीज है। अब अगर इसको भी मैं समझाऊं तो वही कंडीशन है, पहले मैंने सी लिखा था, एक्स एच लिख दूंगा। एक्स एच का मतलब हीमोफिलिक कैरियर, और अगर मैं लिखूं एक्स वाई तो बोले कि नॉर्मल। अब बताओ ये अपना कैरियर एक्स क्रोमोसोम किसको देगी? लड़के को कि लड़की को? लड़के को। इसका मतलब क्वीन विक्टोरिया के जो सक्सेसर होंगे उनमें किसको डिसीज ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे? लड़कों को, यानी उनके लड़के ज्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे लड़कियों की बजाय, इसीलिए इसके इनहेरिटेंस का नाम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये एक्सलेंट डिसीज है। नाउ सिकल सेल एनीमिया, बोलते हैं हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। अल्फा चेन भी प्रोटीन की बनी है, बीटा चेन भी प्रोटीन की बनी है। अब जो बीटा चेन ऑफ प्रोटीन है आपकी बुक में दी गई है, बीटा चेन ऑफ प्रोटीन, ये रही आपकी बीटा चेन ऑफ प्रोटीन। इसकी पहली पोजीशन पे वैलिन है और छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है। ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन ए मतलब एडल्ट की हीमोग्लोबिन, ए फॉर एडल्ट, हीमोग्लोबिन एडल्ट एच बी।
पर अगर छठी पोजीशन पर जिस सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ ठीक है, छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, तो याद रखना अब आपकी जो हीमोग्लोबिन चेन है वो बदल गई और ऐसी पेप्टाइड को एचबीएस पेप्टाइड कहते हैं। अब इस एचबीएस पेप्टाइड बनने की वजह से हीमोग्लोबिन में बेटा अजीब सी अबनॉर्मल फोल्डिंग आ जाती है और इस अबनॉर्मल फोल्डिंग आने की वजह से आपकी आरबीसी इट बिकम्स सिकल सेल, और अगर आरबीसी सिकल सेल हो गई तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती, और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती इस एनीमिया का नाम सिकल सेल। तो बताओ सिकल सेल एनीमिया क्यों? सिकल सेल एनीमिया होने का कारण है छठी पोजीशन पर म्यूटेशन हो जाना, और छठी पोजीशन पर म्यूटेशन क्या हुआ, एमआरएनए में जहां जीएजी था वहां पर क्या आ गया जीयूजी, यानी ए की जगह यू आ जाने से ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आने की वजह से ये बीमारी हो गई। अच्छा एक और बात, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल डिसीज ये सब में बराबर होती है, यानी ये लड़का और लड़की में भेद नहीं करती, जबकि एक्स लिंक डिसीज किसमें ज्यादा हो रही थी, लड़कों में, और ये डिसीज दोनों में ही बराबर होती है, और ऑटोसोमल डिसीज बड़े आसानी से पाई दिखाई जा सकती है, और इनमें एक्स वाई क्रोमोसोम लिखने की बजाय हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए अब आप लोग कोई कंडीशन सिखा लें, अगर कहीं लिखाओ एच बी ए एच बी ए, बताइए नॉर्मल की डिसीज, नॉर्मल, कहीं लिखा हो HBS HBS नॉर्मल भी डिसीज, ये सिकल सेल, इसके गैमेट सारे HBA और इसके सारे गैमेट HBS, बताइए दोनों ने फ्यूज किया आया HBA HBS, बताइए नॉर्मल की कैरियर, कैरियर। अब अगर कैरियर दो आपस में मैरिज कर ले HBA HBS, इन्हें तो डिसीज नहीं है, मान लो एक कैरियर है HBA HBS है, आप बताइए डिसीज करें तो क्या कंडीशन हो सकती है? सर सिंपल कंडीशन है, इसके पास आएगा HBA गैमेट, दूसरा HBS गैमेट, इसके पास एक गैमेट आएगा HBA दूसरा HBS, आइए प्रोजनी बना लेते हैं, प्रोजनी बनाएंगे तो बताइए HBA HBA नॉर्मल की डिसीज, नॉर्मल HBA HBS नॉर्मल की कैरियर, कैरियर HBA HBS नॉर्मल की कैरियर, कैरियर। नाउ HBS HBS नॉर्मल की डिसीज, डिसीज, और इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तीन लोग में से एक होमोजाइगस डोमिनेंट दो हेटरोजाइगस डोमिनेंट, ये तीनों बच जाएंगे, एक मर जाएगा, तो अभी भी रेशियो 3:1 है, तीन बचे एक मर गया, अब इन तीन में भी रेशियो 1:2 आ जाएगा, 1 इज प्योर बचा क्योंकि ये कैसा है होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये कैसा है कैरियर, इनमें दो आ जाएंगे, दिस इज नोन एज लीथल रेशियो। तो जब कभी 3:1 बिकम 2:1 इट इज ड्यू टू लिथैलिटी, और लिथैलिटी का मतलब उसमें किसी की डेथ हो गई है, दिस रेशियो इज नोन एज लीथल रेशियो। तो ये कहानियां हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी, अब पूछा जाएगा इसमें मेल और फीमेल में क्या अंतर होगा, बराबर मेल को भी उतनी ही हो सकती है डिसीज, फीमेल को भी हो सकती है उतनी डिसीज, छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड पर की जगह वैलिन आ गया, पर ये कहानी हो सकती है। नाउ फिनाइल केटोनिलिया मैंने पढ़ा ही रखा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अभी अभी पढ़ाया था, चलो एक बार फिर लिख देता हूँ, मैंने बोला था फिनाइल एलानिन टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है एंजाइम, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये एंजाइम ना बने तो फिनाइल एलानिन फिनाइल पाइरिलिक एसिड में चेंज हो जाता था, और फिनाइल पाइरिलिक एसिड जब चेंज हो जाता था तो ये आपको मेंटल रिटार्डेशन करता था, यूरिन में बाहर निकलता था, बीमारी का नाम था फिनाइल केटोनिलिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्लियोट्रोपिक में समझाया था, याद है आपको? ओके नाउ हियर कम्स द थैलेसीमिया। अभी तक मैंने हीमोग्लोबिन में चेंज दिखाए थे क्वालिटी में, व्हाट वाज द क्वालिटी चेंज, छठी पोजीशन पर क्वालिटी बिगड़ गई, क्या बिगड़ गई क्वालिटी, और कौन सी क्वालिटी, बीटा चेंज की, किस पोजीशन पर, छठे पर, क्या आया ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, हाँ ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ गया वैलिन, अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ गया तो क्वालिटी ऑफ बीटा चेंज बिगड़ गई, अभी आ जा रहा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो गई,
अब थैलेसीमिया में दोनों ही चेन बिगड़ सकती है, अल्फा चेन भी बिगड़ सकती है, बीटा चेन भी बिगड़ सकती है। अगर अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन बिगड़ी तो इसे बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन बिगड़ी तो इसे बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। तो दो प्रकार की थैलेसीमिया है, अगर हीमोग्लोबिन कम बनने लगे, अल्फा चेन कम बनने लगे तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन कम बनने लगे तो बीटा थैलेसीमिया। और इस अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। यहाँ लिखा है द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन आइदर अल्फा और बीटा that make up the hemoglobin. This cause the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia which is characteristic of this disease. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. इसका मतलब ये कैसी डिसीज है, क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। अभी सुनना, बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, आगे सुनना, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2। कभी भूल जाना तो ऐसे याद रखना, हीमोग्लोबिन अल्फा 1, हीमोग्लोबिन अल्फा 2। अल्फा थैलेसीमिया के लिए ए आएगा और बीटा थैलेसीमिया के लिए बी आएगा, HbB, हीमोग्लोबिन बीटा, हीमोग्लोबिन अल्फा। तो अल्फा थैलेसीमिया दो जीन की वजह से होती है और ये दोनों जीन 16वें क्रोमोसोम में होते हैं, और बीटा थैलेसीमिया में म्यूटेशन होता है 11वें क्रोमोसोम के सिंगल जीन से, सिंगल जीन से। तो अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने वाली, यानी अल्फा चेन को कंट्रोल करने वाली दो एलील है, HbA1 HbA2, और बीटा बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने वाली केवल एक जीन है, दैट इज HBB। और अल्फा थैलेसीमिया के जो बेटा जीन है वो 16 क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और बीटा थैलेसीमिया 11। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेस है, वो क्रोमोसोम नंबर पूछ लेंगे आपको। बाकी आप आगे बढ़ जाइए, और इसके बाद आपका आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया, एन्यूप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी से पैदा होते थे सोमिक्स। एन्यूप्लॉयडी का मतलब है जब पेयर में एक बढ़ जाए, अगर पेयर में एक बढ़ जाए तो ये होगा 2n+1, कंडीशन का नाम क्या है, ट्राइसोम। अगर एक कम हो जाए तो मोनोसोम, और इस कंडीशन का नाम क्या था, एन्यूप्लॉयडी। अगर पूरा सेट बढ़ जाए दैट वाज अ पॉलीप्लॉयडी। तो इस तरीके से आपके साथ एन्यूप्लॉयडी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। प्लीज डाउन सिंड्रोम के बारे में समझने की कोशिश करिए। डाउन सिंड्रोम में कंडीशन है 2n+1, और यहाँ पर है ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी है 21वें क्रोमोसोम में। इसका मतलब बाकी सारे क्रोमोसोम के पेयर में दो क्रोमोसोम है, लेकिन जो 23वां पेयर क्रोमोसोम है उसमें पेयर की बजाय 3 क्रोमोसोम आ गए, ट्राइसोमी। और जब भी ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होगी, सिंड्रोम का नाम होगा डाउन सिंड्रोम। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैंगडन डाउन, आपके सामने लिखा हुआ है। द कॉज ऑफ दिस डिजेनेरेटिव डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21, एंड दिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। और इसके कुछ बेटा, इस डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स हैं कि बच्चा कैसा दिखेगा। मैं वो सिम्टम आपको यहां से रट्टा नहीं मारने दूंगा। अगर आपने कभी भी फिजिकली चैलेंज बच्चे देखे हो, अगर आपने मूवी तारे जमीन पर देखी हो, और उस तारे जमीन में आमिर खान जिस स्कूल से आए थे, जिसमें आए थे वो नहीं, जिस स्कूल से आए थे जहां पर मेंटली चैलेंज बच्चे थे, वो सब डाउन सिंड्रोम के थे। कैसे, देखो क्या क्या है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों का ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, बड़ा होगा, मंगोलियन आई होगी, जैसे चाइनीज की आंखें होती वैसी आईज होगी, habitually open mouth होगा, वो मुंह हमेशा खोले रहेंगे, और बड़ी big and wrinkled tongue होगी, बड़ी tongue होगी, flat back of head होगी, many loops on the fingertips होंगे, fingertips में ऐसी बेटा simian line होगी, बंदरों जैसी line होगी, human जैसी line नहीं होगी।
इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होगी, पॉट बेली होगी, यहाँ पर लिखा नहीं है, पॉट बेली होगी यानी पेट बड़ा होगा, हाइट कम होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, ये सारी बीमारियां होंगी और बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपको यही डाउन सिंड्रोम के सिम्टम देखने हैं तो आपकी बुक में भी लिखे हुए मिलेंगे, मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि क्या क्या लिखा होगा। देखिए, द affected individuals with a short stature with a small round head, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad with characteristic palm creases, physical, psychomotor and mental development is regarded. बताइए डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से? और कभी भूल जाना तो मैंने ऐसे रट्टा मारा था, दो से नीचे होता है एक, टू से डाउन होता है वन, 18वां होता है एडवर्ड, ए फॉर एडवर्ड, ए फॉर 18, ऐसे नहीं आता पता। 13वां होता है पटाउस, 13वें में ट्राइसोमी हो जाए पटाउस सिंड्रोम, 18वें में एडवर्ड, 21वें में हो जाए डाउन सिंड्रोम। सो ये था बेटा डाउन सिंड्रोम। देन आया क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इज अ मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब होता है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम हट गया, इसका मतलब 2n प्लस 1 की 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, और ये 23वां क्रोमोसोम है, 23rd क्रोमोसोम ही बेटा गड़बड़ कर गया, यानी बंदा ऑटोसोम में ठीक था और अचानक वो हो गया XO। O का मतलब एक क्रोमोसोम यहां से निकल गया, अगर ऐसा हो गया तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाएगा, और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हमेशा फीमेल होती है, याद रखना is always female. Klinefelter syndrome is always female. और female होगी लेकिन development बड़े गंदे होंगे। अगर आपको देखने हैं तो देखिए, the chromosome resulting into ये Rotterman syndrome मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। Sorry, I'm very much sorry. मैं झोंक में कुछ भी बोलते जा रहा हूँ। मुझे topic complete करना है। Very much sorry. मैं जो आपको पढ़ा रहा था, it was a 2n minus 1, and this is not a Klinefelter syndrome, it is a Turner syndrome. और Turner syndrome is always female. इसके सारे क्रोमोसोम एक है और XO कंडीशन हो गई है, इसका मतलब 23वां क्रोमोसोम इसका बिगड़ गया है, खराब हो गया है। और Turner syndrome जब भी देखोगे तो क्या मिलेगा? Such disorder is caused due to the absence of one X chromosome, that is 45XO. Such female are sterile, as ovaries are rudimentary, beside other feature including lack of other secondary sexual character. तो आपको याद रखना है, Turner syndrome is always female, पर वो sterile होगी क्योंकि उसमें ovaries ही नहीं बन पाते। तो 23वें क्रोमोसोम की मोनोसोमी, it is Turner syndrome. और 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, दैट वाज डाउन सिंड्रोम। अभी एक और सिंड्रोम बच जाता है जो जल्दबाजी में मैंने छोड़ा, और वो सिंड्रोम है बेटा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इज अगेन अ ट्राइसोमी, ये फिर से एक ट्राइसोमी है, और यहां पर भी 2n + 1 कंडीशन है, लेकिन अब की बार ये एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, और कंडीशन होती है XXY। अब ध्यान समझना, ह्यूमन के केस में लर्न कर लो, ड्रोसोफिला के केस में नहीं, ड्रोसोफिला के केस में नहीं, तीसरी बार बोल रहा हूं, ड्रोसोफिला के केस में नहीं, ह्यूमन के केस में अगर वाई कहीं पर भी है तो वो मेल ही होगा, चाहे 75X के बाद वाई हो वो मेल ही होगा, लेकिन ड्रोसोफिला में ठीक नहीं है, ड्रोसोफिला में तो भैया वाई होना जरूरी नहीं कि मेल है, लेकिन ह्यूमन के केस में अगर वाई है तो हुआ क्या कि एक्स एक्स और वाई आया तो तुम समझ लो मेल तो है, लेकिन इस मेल में कुछ फीमेल जैसे करेक्टर आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा, और जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम बढ़ता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट बढ़ता है, मेंटल रिटार्डेशन बढ़ता है, जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम बढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन बढ़ता है। अच्छा, ये हम लोग के जमाने पर एनसीईआरटी में लिखा था, एनसीईआरटी में लिखा था एज वेल एज एक्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस मेंटल रिटार्डेशन इंक्रीजेस। इस पर किसी लोगों ने केस कर दिया, किताब से लाइन हटानी पड़ी, क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा फीमेल के पास 2x होते हैं, मेल के पास 1x होता है, इसका मतलब फीमेल में रिटार्डेशन होती है। दिस वाज रॉन्ग,
उनका लिखने का मतलब था इफ देयर इज अ सिंड्रोम, इफ देयर इज अ सिंड्रोम एंड एक्स क्रोमोसोम इंक्रीजेस मेंटल रिटार्डेशन विल इंक्रीज. तो अब आपको प्राइम प्रेडेटर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा. दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो ड्यू टू 2n+1 क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप 47XXY सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट. मैस्कुलिन मतलब मेल डेवलपमेंट. हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट of the breast gynecomastia yani hai male lekin male mein female jaise character aa rahe. Breast ka development in the male is gynecomastia also expressed. Such individual are sterile. To matlab Turner bhi sterile tha, Klinefelter bhi sterile tha, aur aapki book mein ye diye gaye hain beta Klinefelter syndrome. He is a male but having the gynecomastia. और गायनेकोमेसिया का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल, इट इज नोन एज गायनेकोमेसिया. और स्टेराइल भी होगा, याद रखना, ये इंडिविजुअल कहलाएगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम. तो कैसे भी करके जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने बेटा कंप्लीट करने की कोशिश की. मैं कितना सफल हो पाया वो आप लोग मुझे बताइएगा. कोशिश तो मैं कर रहा था कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाए, पर दो दिनों में जेनेटिक्स ऐसे ही पढ़ाई जा सकती है. एनी क्वेरी, इट इज माई नंबर 9319055284. अगर कोई क्वेरी हो तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा. अदरवाइज अगली बार से यानी नेक्स्ट टाइम से स्पार्क में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चालू करेंगे, और उस भी चैप्टर भी बड़ा है जिसमें दो क्लासेस मिनिमम चाहिए होंगी, उसको भी दो क्लासेस में ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय. और सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं होगी. बार बार मैसेज करके आप पूछते हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन आप क्लासेस नहीं कर रहे हो. सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं होंगी, मंडे को क्लासेस होंगी. टेक केयर, गुड लक, बाय बाय.